विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरादरुणबिंबफलादरुष्ठा पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैसौरसौरवसमारितयोगचित्तम् हन्तुं प्रतापमनीषं मुनिहंससेव्यं सन्मानसारिपरिपीतपरागपुञ्जम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रे तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं ये तस्मै श्रीगुरवे नमः आय हनुमान विराजे भूत कथा इतिहास तुम सेवक श्री राम के मैं चरणन का दास नित सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मेरा सिर जब जब या जन्मो इस जग में पद पंकज के पास जय मीरा के गिरिधर नागर सूरदास के चार नरसी के प्रभु साह संवरिया तुलसीदास के बोल बोल भवत्सल भगवान की द्वारिकाधीश की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो गौ माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो श्री जसनाथ जी महाराज की जय हो श्री सती मैया की जय हो श्री पुष्करनाथ जी महाराज की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर ए कारण करुणा वर्मा ने भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी सगुण साकार निर्गुण निर्विकार निर्विशेष सच्चिदानंद स्वरूप यदुवंश शिरोमणि लीला पुरुषोत्तम वसुदेव नंदन द्वारिकेश भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री राधा कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण देवादिदेव महादेव भगवान भूत भावन भोलेनाथ परम्बा भगवती राजराजेश्वरी माँ दुर्गा श्री सीताराम जी के लाडले भक्त हनुमान जी महाराज स्थान देवता इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता सर्वदेव में श्री गौ माता इष्ट देवता श्री दशनाथ जी महाराज सभी के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आयोजक परिवार समस्त सारण परिवार के सदस्यगण गांव से पधारे श्रोता भक्तिमती माताएं प्रभु प्रेमी भक्तगण संगीत के द्वारा अपनी उपस्थिति दे रहे कलाकार बंधुजन साउंड सिस्टम को संभाल रहे
सज्जन और इस YouTube के माध्यम से आपके कर्ण रंध्र तक कथा पहुंचाने वाले हमारे भैया और जो इस कथा को श्रवण पान कर रहे हैं उन सभी के अंतर हृदय में भगवान राधा माधव के दर्शन करते हुए बारंबार वंदन और सबको जय जय श्री राधे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप और हम सब लोग बड़े परम सौभाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत सप्ताह के सप्तम दिवस की कथा का श्रवण मनन चिंतन कर रहे हैं। पावन कथा का प्रसंग हम लोग प्रारंभ करें। श्री सुखदेव स्वामी के मुख से निश्चित राजऋषि परीक्षित को लक्ष्य करके समस्त जगत के कल्याण हेतु ये जो पावन भागीरथी अवतरित होकर के आई है उसमें हम सब लोग अवगाहन करें। सज्जनों, बहुत सारा समय दुनिया के कार्यों में बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़े, धन धाम बड़े, यश कीरति हूँ जग में प्रगटी है, झूमत द्वार गजेंद्र हजार इंद्र हूँ से कछु नाय घटी है, पर तुलसी जगदीश के भजन बिना जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। किसी का कोई ऐश्वर्य काम का नहीं है, भगवान के बिना उस जीव का जीवन ही व्यर्थ है। आइए हम उसी प्रभु के नाम का आश्रय लेते हुए कथा की चर्चा प्रारंभ करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण जन वासुदेवा, हे नाथ नारायण जन वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे उदारे, हे नाथ
भगवान की भगवान महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा प्रणीत और श्री शुकाचार्य जी के महाराज के मुख्य निश्रित श्रीमद् भागवत कथा का कल हम लोग जो श्रवण कर रहे थे उसमें भगवान श्री कृष्ण और उनके सब सखा मथुरा में घूमते हैं और मालाकार से माला पहनते हैं, सेयंद्रे से चंदन लगवाते हैं, धोबी से वस्त्र पहन लेते हैं। शाम को आकर के नंद बाबा आदि के पास रुकते हैं। सुबह भगवान सबसे पहले कोलिया पीड़ हाथी का उद्धार करके जो शंकर जी के द्वारा धनुष दिया गया था कंस को, बोले इस धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता और जो धनुष तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। आज भगवान ने उसी धनुष के दो टुकड़े कर दिए, एक बलराम जी ने ले लिया, एक स्वयं ने ले लिया और जो आए उसी के ऊपर प्रहार शुरू किया। 10,000 हाथियों का बल जिस कुलिया पीड़ में था, भगवान ने महावत सही एक मुक्के का प्रहार करके उसको यमलोक भेज दिया। जो ही भगवान रंगभूमि में जाते हैं, क्या अद्भुत दर्शन है। एक ही प्रभु को जितने लोग हैं वो सब अलग अलग देख रहे हैं। जो वहां मल्ल पहलवान बैठे हैं उनको श्री ठाकुर जी श्रेष्ठ योद्धा दिख रहे हैं, नरवर है। और जो स्त्रियां बैठी हैं उनको भगवान कामदेव के रूप में दिख रहे हैं। जो गोप लोग बैठे हैं उनको भगवान स्वजन के रूप में दिख रहे हैं। वसुदेव देव की माता को अपना शिशु दिखाई दे रहा है और जो योगी लोग हैं उनको वो परम तत्व दिख रहा है। और वृष्णि लोग जो यदुवंशी हैं उनको अपना परिवारीजन दिखाई दे रहा है। देखो भगवान को कहा गया है सूतियों में रसो वैशा है, भगवान रस स्वरूप है, इसलिए एक ही भगवान को अलग अलग रूप में देखना ये कितना रस है। देखो जो मल्ल पहलवान थे उनको भगवान योद्धा के रूप में दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं रौद्र रस। और बाकी सब लोगों को भगवान एक विशिष्ट महापुरुष के रूप में दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं अद्भुत रस। और सुंदर स्त्रियों ने भगवान को अनंग कामदेव के रूप में देखा, यह है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। और ग्वाल बालों को कन्हैया अपना मित्र दिख रहा है, इसको बोलते हैं सख्य रस या हास्य रस। और दुष्ट प्रकृति के जो राजा बैठे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर शासन करने वाला है, तो उनको ये दिख रहा है वीर रस। और वसुदेव देव की माता को अपना पुत्र दिखाई दे रहा है और इतने वर्ष बाद में, छोटा था जन्म लेते ही पहुंचा दिया, 11 वर्ष बाद में देखा है तो नेत्रों में नीर बरस आया। तो इनमें दोनों रस है, वात्सल्य भाव और करुण रस, वात्सल्य और करुण रस। अच्छा भोजपति जो कंस है उसको भगवान कैसे दिख रहे हैं, बोले मृत्यु भोजपति विराट विदुषाम, कंस को लग रहा है आई मौत, आई मौत, इसको बोलते हैं भयानक रस। तो एक ही भगवान के अंदर सब प्रकार के रस दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भगवान को रस स्वरूप कहा गया, रसो वैसह कहा गया। तो जो ही पहुंचे भगवान तो सबसे पहले श्री ठाकुर जी का युद्ध होने लगा और चांडूर के साथ, एक बहुत बड़ा पहलवान था चांडूर उसके साथ, और मुष्टिक के साथ होने लगा। इतने बड़े पहलवानों के साथ हम बालकों को भिड़ा रहे हैं,
कोई हमारी बराबरी का योद्धा होता, इतने बड़े, तब तक वो कहने लगे तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो। न बालो न किशोरस्त्वम् बलस्य बलिनाम्बर है, लीलये भो हतो येन सहस्रद्विपशत्ववृत। तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, तुम तो बलियों के भी बलि हो। और चांडूर मुष्टि के साथ भगवान ने ऐसा युद्ध किया, कभी कंधे से कंधा मिलाकर, कभी पांव से पांव मिलाकर के मल्ल पहलवानों के साथ लड़ रहे हैं। जिनका शरीर वज्र के समान है उनके साथ छोटे छोटे कृष्ण और बलराम दोनों भाई। बहुत सारे लोग तो सभा छोड़कर चले गए रे दुष्ट हत्यारे कंस, इन ऐसे वज्रव के अंग वालों के साथ छोटे छोटे बालकों को भिड़ाया है तुमने। सभा छोड़कर चले गए कंस को गाली देते हुए, और कुछ मन ही मन स्मरण कर रही है, हे भगवान इनकी रक्षा करना, हे भगवान इनकी रक्षा करना। भगवान पर एक चांडूर ने प्रहार किया, भगवान खड़े रहे। ऐसा लगा सुखदेव जी कहते हैं जैसे कोई गजराज हाथी पर पुष्प फेंक कर मारे, तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही भगवान नाचल तल प्रहारे ने माला हत इव द्विपाय, जैसे किसी हाथी पर माला फेंक कर मारी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे भगवान खड़े रहे। अब जो ही भगवान ने उसका मुक्का खाया तो फिर प्रभु बोले ठीक है, अब तुम हमारी थप्पड़ चखो, तुमने मुष्टि प्रहार तो किया। और एक ऐसा कह करके भगवान ने चांटा मारा, तो चांडूर को चांटा लगा तो चारों खाने चित हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब इधर बलराम जी के, बलराम जी ने मुष्टिक के ऊपर एक मुष्टिक प्रहार किया और उसका भी मुष्टिक प्रहार करके ठिकाने लगा दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा नॉर्मल। श्री राम राम राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की। चांडूर और मुष्टिक का बध होते ही दो पहलवान और आ गए, सल और तोसल। सल और तोसल, और दोनों भाइयों ने उनको भी सिर के बाल पकड़ करके घुमाते घुमाते और इस तरह धड़ाम से पटका और जाकर के ऊपर बैठकर गर्दन दबा 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 गोविंदाय नमो नमः। अब चांडूर मुष्टिक सल तोसल जितने पहलवान आए, दोनों भाई भाई उसको किनारे करते जा रहे हैं। कंस ने कहा रे सब मूर्ख कहां मर गए, क्या हो गया इन सबको, बड़े बड़े योद्धाओं को चुटकियों में समाप्त करने वाले खुद आज पछाड़ खाकर गिर पड़े हैं। श्री कृष्ण ने देख करके कहा मामा जी बस वहीं आ रहा हूं, चिंता न करो हम वहीं आ रहे हैं। और दोनों भाई उछल करके सीधे चढ़ गए कंस के पास सिंहासन पर, मुकुट को उतार कर एक तरफ फेंका और केस पकड़े। कंस घबराया, अरे चांडूर मुष्टिक सल तोसल कूट सब पहलवान कहां। भगवान बोले सबको कूट कूट कर कूट दिया। एक पहलवान का नाम कूट था तो बोले उसको भी कूट दिया। तो बोले सब कहां मर गए। कन्हैया बोले मामा जी ज्यादा बड़बड़ करने से कुछ नहीं होने वाला, वो सब वहां गए जहां बाप का जाना बाकी है, वो सब तो चले गए। इसलिए लोग तो अंतिम समय में मेरे दर्शन के लिए तरसते हैं, जन्म जन्म तक जतन करते हैं और उनका उनको मेरा दर्शन होता नहीं है। आप तो कितने बड़े बड़भागी हो जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसलिए जी भरकर देख लो बस। अरे मेरे केस छोड़ बहुत दर्द हो रहा है, केस छोड़ बहुत कष्ट हो रहा है। कन्हैया बोले मामा जी आपको पता तो चला, केस पकड़ने से भी दर्द होता है। क्यों? क्योंकि याद करो जब मेरी माँ देवकी को विवाह के बाद आप विदा कर रहे थे तो आकाशवाणी के कहने से आपने भी तो मेरी माँ के केस पकड़े थे, लेकिन उस समय आपको क्या पता केस पकड़ने से भी दर्द होता है।
आज तो इसलिए चला है कि आपके भी किसी ने पकड़े हैं, क्योंकि जाके पावन फटी बिवाई सो क्या जाने फिर पराई। इसलिए भगवान ने कहा कि आज तो इसलिए पता चल गया कि नंबर लग गया तुम्हारा, और ऐसे कैस पकड़ करके गोविंद ने घसीटते हुए कंस को इतनी ऊंचाई से पटका, संपूर्ण त्रिलोकी का भार लेकर के उसकी छाती पर, ब्रह्मांड का भार लेकर के कूदे और जाकर के गला दबाया और उस दुष्ट का श्री ठाकुर जी ने अंत कर दिया। जय जयकार हुई, पुष्प वृष्टि हुई, सब लोग आनंदित हो गए, और जितने भी इस दुष्ट कंस के भय से बेचारे ब्रजवासी लोग, जितने मथुरा के और आसपास के क्षेत्र के लोग डर डर कर घर छोड़कर भाग गए थे, जंगलों में रहते थे, वहां पर कंदमूल फल खा करके बेचारे भूखे मर मर करके डेढ़ हड्डी के हो गए थे। आज जब कंस के मरने का समाचार सुना और उग्रसेन जी को पुनः राज्याभिषिक्त किया, तो वो सब वनों से निकल निकल करके अपने घरों में दौड़ दौड़ कर आया। उनकी सफेद दाढ़ी पर मोती जैसे आंसू चमकने लगे, वाह कन्हैया तुमने इस दुष्ट से हमारा पीछा छुड़ाया। सब लोग दौड़ दौड़ करके आए। अब वसुदेव देव की माता को कारागार से मुक्त कराया, दोनों ने प्रेम के आंसुओं से गोविंद का सिर भिगो दिया। नाना जी आप राजा बनिए, क्योंकि हम लोग श्राप के कारण बन नहीं सकते। भगवान के दर्शन से सब लोग प्रसन्न हो गए, नंद बाबा के पास में गए और एकांत में जाकर के श्री ठाकुर जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा आप लोग चलो, मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगा। कृष्ण के सखा और नंद बाबा सब रोने लगे, कन्हैया हम तो जैसे तैसे रह लेंगे, पर हमें पता भी चल गया कि तू देवकी नंदन है, तू तो वसुदेव का बेटा है। हम तो अपने छाती पर धैर्य धारण करके पत्थर रख लेंगे, पर यशोदा को जाकर क्या कहूंगा, वो मर जाएगी, वो तो एक एक पल तुम्हारी याद में बिता रही है, एक एक पल तुम्हारी याद में बिता रही है। कृष्ण आ रहा होगा, हमारा लाला आ रहा होगा, हमारा गोपाल आ रहा होगा। और सजनों, नंदरानी तीन दिन से महल की अटारी पर खड़ी थी, मथुरा वाले रास्ते को देख रही थी, शायद कृष्ण आ रहा है, शायद गोपाल आ रहा है। अच्छा, नंद बाबा को और कृष्ण के सखाओं को भगवान ने कहा, देखो मैं इसलिए नहीं जा सकता कि अभी अभी कंस का वध किया है, तो कंस की दोनों पत्नियां है ना, वो जरासंध की बेटी है, और जरासंध बहुत दुष्ट राजा है, बहुत अत्याचारी राजा है, अन्यायी राजा है, पर कहीं पता चल गया तो जरासंध मथुरा पर चढ़ाई कर देगा, और इन मथुरा वासियों को बिचारों को बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ेगा कि कहीं जरासंध आक्रमण ना करे। आप लोग चले जाओ। नंद बाबा सासुरु कंठ आज दोनों पुत्रों को वसुदेव जी को सौंप करके और बाकी लोगों के साथ वृंदावन प्रस्थान करते हैं। पूरयन पूरयन अश्रुभिर नेत्रे सह गोप ब्रजम वियोग। एक और नंद बाबा का तो दुख वियोग संतापत, और दूसरी ओर वसुदेव देव की माता का मिलन। आज 11 वर्ष बाद माँ देवकी ने देखा कृष्ण को, आनंद का पारावार नहीं रहा, और सब लोगों ने हृदय से लगा लिया, अरे छोटा था तब भेजा था, आज 11 वर्ष का होकर आया है। तब उन्होंने गर्गाचार्य महाराज को बुला करके यज्ञोपवीत करवाया, जनेऊ दिलाई, और दोनों भाइयों को विधिवत यज्ञोपवीत करवा करके गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो भाई, माता पिता की वजह से बालक यदि अनपढ़ रह जाए, उस बालक के सबसे बड़े शत्रु होते हैं मां बाप।
माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाचित है। वो माँ पिता शत्रु है जिनकी वजह से बालक अनपढ़ रह गया। एक श्लोक में कहा गया दुष्टिलो मातृ दोषे न पितृ दोषे न मूर्खता कार्पण्य वंश दोषे न आत्म दोषात् दरिद्रता। दुष्टिलो मातृ दोषे न बच्चा उसकी प्रवृत्तियां गलत हो जाएं, चोरी लूट यदि उसकी जो वृत्ति है ना वो दुष्प्रवृत्तियों में बदल जाए, इसका सबसे बड़ा दोष माँ को है। पर बच्चा यदि मूर्ख रह जाए इसका सबसे बड़ा दोष बाप को है। कायरता रह जाए तो ये परिवार का दोष है क्योंकि डरपोक है सब। कार्पण्य वंश दोष है, कायरता वंश दोष है, और आत्म दोषात् दरिद्रता यदि वो गरीब रह जाए दरिद्र रह जाए तो किसी का नहीं खुद का दोष है। कुछ किया नहीं तो बस रह गए। आज उज्जैन में भगवान पढ़ने के लिए गए सांदीपनी के आश्रम में और 64 दिन में श्री ठाकुर जी ने और बलराम जी ने संपूर्ण विद्या सीखी, धनुर्विद्या, धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र, 6 प्रकार की राजनीति। कितनी अच्छी बात है, पहले गुरुकुल में बालक जाते ही धर्मशास्त्र पढ़ता था, धर्मशास्त्र के बाद न्याय, फिर पुराण आदि शास्त्र आदि का विधिवत अध्ययन करते हुए सबसे अंत में शस्त्र विद्या सीखता था। आजकल सगलों पहले शस्त्र नहीं याद गाले हैं, शास्त्र पहले हो और शास्त्र के बाद में शस्त्र सीखना चाहिए क्योंकि शास्त्र पढ़ा है वो शस्त्र का प्रयोग करना सही तरीके से जानेगा, कब उठाना, किस पे उठाना, क्यों उठाना। और मूर्ख आदमी कभी भी उठा सकता है, किसी पर उठा सकता है, इसलिए शास्त्र पढ़ने के बाद शस्त्र की तरफ बढ़ना चाहिए। पहले शास्त्र पढ़े फिर शस्त्र की तरफ बढ़े। भगवान को यदि युद्ध ही सबसे पहले करना होता तो सीता जी की सुधि लाने के लिए हनुमान जी को न भेज करके पहले ही अंगद जी को भेजते जो जाते ही पांव रोप देता, लंका कांड में रोपा तो सुंदरकांड में ही रोप देता। लेकिन भगवान ने हनुमान जी को इसलिए भेजा कि हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, हनुमान जी ज्ञान गुण सागर है, हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, इसलिए ये जाएंगे तो समझाएंगे। और हनुमान जी ने सज्जनों 4 प्रकार से समझाया रावण को। हमारे यहाँ समझाना 4 प्रकार से होता है, साम दाम दंड भेद। साम माने सीधा सा समझाना, तो हनुमान जी ने सीधा सा समझाया हाथ जोड़ करके, विनती करूं जोरी कर रावण सुनहु मान तज मोर सिखाऊं। ठीक है, ये साम है। और दाम माने होता है लालच देकर समझाना, तो हनुमान जी ने रावण को लालच भी दिया। क्या? राम चरण पंकज उर धर हूं, लंका अचल राज तुम कर। राम जी के चरण हृदय में धर लो तुम्हारी लंका अचल हो जाएगी, ये लालच। तो साम दाम, 3 नंबर दंड डराया, देखो तुम भगवान से विरोध कर रहे हो, परिणाम जानते हो। शंकर सहज विष्णु अज तोई, सकई न राखी राम कर द्रोही। शंकर सहज, 1000 शंकर जी और 1000 ब्रह्मा जी भी राम जी से बैर करने वाले को बचा नहीं सकते। सकई न राखी राम कर द्रोही, ये दंड। और फिर तीनों से काम नहीं बना तो चौथा भेद,
भेद क्या डाल दिया, पूरी लंका जलाई पर विभीषण का घर छोड़ छोड़ दिया। तो रावण के मन में क्या आया, बोले हो न हो, विभीषण ने कहा था कि नीति विरोध न मारिए दूता, दूत को नहीं मारना चाहिए। मतलब विभीषण ने बानर के प्राण बचाए और बानर ने विभीषण का घर, ये मिली भगत, ये इन दोनों की मिली भगत। इसलिए विभीषण जब दूसरी बार सिखाने पहुंचा था ना, यहाँ तो कह दिया नीति विरोध न मारिए दूता, और दूसरी बार जब विभीषण जी समझाने गए तो रावण ने लात मार करके कहा सठमिल जाजति नहीं कहूं नीति। ये नीति पहली बार सिखाई थी तो बानर से पूरा गांव जला लिया, और आज फिर नीति सिखाना है, जा अबानी जी का लात मार कर निकाल दिया। ये है साम दाम दंड भेद, चार प्रकार से हनुमान जी ने रावण को समझाया। तो संत का तरीका यही होता है, लेकिन संत का तरीका तो ये है, पर सिपाही का तरीका हाथ जोड़ना नहीं है। संत तो शास्त्र से समझाता है, पर सिपाही तो शस्त्र से समझाता है। संत की कोई बात ना माने तब सिपाही भेजना पड़ता है, तो हनुमान जी की ना मानी तब अंगद जी को भेजना। और अंगद जी ने फिर हाथ नहीं जोड़े, पांव नहीं पकड़े, फिर रावण की बोलती बंद कर दी, पांव रोक दिया। क्यों? क्योंकि मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, सिपाही नहीं हूं, मैं साधु नहीं हूं, मैं सिपाही हूं। यदि माला से काम चल जाता तो लोग भाला क्यों उठाते? माला जपने वालों से नहीं मानते तभी तो भाला फेंकने वालों को बुलाया जाता है। तो इन दोनों ही तरीकों से भगवान ने समझाया। हमारे ठाकुर जी ने भी यही किया, धर्म शास्त्र पढ़े, न्याय शास्त्र पढ़ा, राजनीति चीज सीखी, और सबसे अंत में फिर सुदर्शन चक्र और धनुष बाण सब सीखा। वहीं सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता हुई, और भगवान विद्या अध्ययन करने के बाद गुरुदेव से बोले कि अब गुरु जी हमको आज्ञा दो, जाना चाहते हैं। गुरु दक्षिणा में क्या दूं? तो गुरुदेव बोले भाई हमको तो कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी गुरु माता से पूछ लो। तो भगवान माता जी के पास में गए, माँ हमने विद्या पढ़ी है, बदले में क्या दे सकते हैं? दक्षिणा में कुछ भी। गुरु माता के नेत्र भराए, रोते हुए कहने लगी, कृष्ण जब से तू आया था बेटा तब से मैं बहुत आनंदित हुई, बहुत प्रसन्न हुई, और एक बहुत साल पहले मेरा बेटा चला गया था, उसको भूल गई थी। बहुत वर्ष पहले मेरा बालक चला गया था, तू यदि तू विद्यालय में आया उस दिन के बाद मैं भूल गई थी, अब तू चला जाएगा तो उसकी याद बहुत आएगी। कृष्ण ने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ माता, समुद्र में डूब गया था गुरुपुत्र। तो भगवान समुद्र के पास जाकर के कहते हैं, गुरुपुत्र मिहानीतम, गुरुपुत्र को लाकर के दो हे सागर। समुद्र ने कहा प्रभु मेरा दोष नहीं है, मेरे अंदर एक राक्षस रहता है। तो भगवान फिर गए अंदर, पंचजन्य नाम के राक्षस को मारा, वहां गुरुपुत्र तो नहीं मिला, और एक शंख लेकर के भगवान आते हैं, उसका नाम है पांचजन्य। भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। महाभारत में शंखों के नाम है ना, पांचजन्य भगवान के शंख का नाम है, देवदत्त अर्जुन के शंख का नाम है, और पौंड्रक भीम के शंख का नाम है, अनंत विजय शंख युधिष्ठिर जी का है, सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख नकुल सहदेव के है, ऐसे नाम है शंख। तो वहां गुरुपुत्र नहीं मिलने पर भगवान यमराज के पास जाते हैं, महाराज गुरुपुत्र लाओ। यमराज जी बोले यहाँ आने के बाद कोई जाता नहीं सरकार, ये यहाँ जो आना है वो जीव का अपने अपने कर्मों के बंधन की वजह से है। भगवान बोले कर्मों के बंधन का हिसाब किताब पूरा कर दो, आज वापिस भेजो। तो द्वार पर भगवान प्रतीक्षा करते हैं, और यमराज जी ठाकुर जी की आज्ञा मान करके गुरुपुत्र को लाकर देते हैं, और भगवान दक्षिणा में अपने गुरु जी को बरसों पहले सागर में गिरकर खत्म हुए गुरुपुत्र को लाकर सौंप करके गुरुदेव को प्रणाम करके और गुरुकुल से आज्ञा लेते हैं।
ठाकुर जी घर चले आए, लेकिन सज्जनों जिस दिन के बाद श्री कृष्ण मथुरा में आए उसी दिन के बाद उदास रहते हैं। ब्रजवासियों की, गोपियों की, अपने सखाओं की, नंद बाबा की, यशोदा माँ की याद आता है। एक दिन माँ देवकी ने अपने हाथ से सुंदर पदार्थ बना करके और थाली में पकवान उसमें माखन धर करके कृष्ण के कक्ष में पहुंची। कन्हैया ने सब पदार्थ देखे और जो ही दृष्टि माखन पर पड़ी तो माँ यशोदा की याद आ गई। माँ यशोदा की याद आते ही कन्हैया रोने लगे। देवकी माता दौड़ी और दौड़ करके जाकर कहने लगी वसुदेव जी से, बोला आपको तो फुर्सत नहीं है राजकार से, आपको तो फुर्सत नहीं है किसी भी कार्य से। अरे देखो ना, कृष्ण जब से आया है बस रोता रहता है, उदास रहता है, बात नहीं करता, बोलता नहीं। वसुदेव जी बोले, देवी अब उसका परीक्षण करना तो हमारा विषय नहीं है, क्योंकि हम जितना जानते भी नहीं, हमने तो जन्म लेते ही पहुंचा दिया था। आज 11 वर्ष बाद में आया है तो क्या स्वभाव है, क्यों, कैसा उसका है। और वसुदेव जी महाराज ने उद्धव जी को बुलाया, बोले उद्धव तुम जाकर के कृष्ण से पूछो कि वो हमेशा दुखी क्यों रहता है। परम वंदनीय पूज्यपाद श्री श्री 1008 श्री सोमनाथ जी महाराज गुरुदेव भगवान का हमारी कथा में आगमन हुआ है। सभी लोग बड़े भाव से एक बार करतल ध्वनि से सभी ताली बजा करके पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन करेंगे। और हमारी तरफ से, आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज श्री के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान की ही पावन सन्निधि में और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम लोग ये कथा श्रवण मनन कर रहे हैं। और कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर पूज्य महाराज जी की, जो बीच बीच में कथा में आते रहे हैं और आज प्रारंभ से अब हमें आशीर्वाद देने लास्ट में पूर्णाहुति में भी पधारे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कृष्ण की उदासी देख करके वसुदेव जी ने उद्धव से कहा कि तुम जाओ और पूछो कृष्ण को तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है, वो उदास क्यों रहता है, रोता क्यों। सज्जनों इस विषय पर भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लोग पूछते हैं कि भगवान कृष्ण मथुरा आने के बाद लौटकर वृंदावन क्यों नहीं गए। भगवान कृष्ण थोड़े बहुत ही चले जाते, एक आध दिन ही चले जाते, गए क्यों नहीं भगवान। जब गुरुकुल में पढ़ने गए तो वहां भी तो जा सकते थे। इसके कई कारण हैं। कुछ लोगों ने कहा चलो वहां नहीं जाते तो इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासियों से, उन्हें बुला करके मथुरा बसा लेते, फिर ऐसा क्यों नहीं किया। भगवान ने इसलिए नहीं किया कि यदि मैं वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन आना जाना रहेगा, तो जरासंध को यह भी पता लगेगा कि कृष्ण के सारे जो प्रेमी हैं वो ब्रज में रहते हैं, पर वो इतना आता ही राजा है, इतना दुष्ट है, और उस समय सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा सेना जिसके पास थी वो जरासंध था। बहुत बली राजा था मगध नरेश। तो ये ब्रजवासियों को तकलीफ देगा, ब्रजवासियों को कष्ट देगा, तो मेरा संबंध ब्रज में ना दिखे इसलिए ठाकुर जी ने किनारा कर लिया ब्रजवासियों से, और लाकर के इसलिए नहीं बसाया। ब्रज का भाव अलग है, मथुरा का अलग है। क्यों? भगवान यहाँ तो सचिव बने हैं, मुख्य सेनापति के रूप में हैं,
और मथुरा में जितनी भी राजकीय चर्चा होती है, जितनी भी कोई वार्ता होती है, उसमें भगवान की उपस्थिति प्रमुख होती है और श्री कृष्ण को पूछकर ही प्रत्येक कार्य मथुरा में किया जाता है। उग्रसेन जी महाराज हर बार अपने श्री कृष्ण से सलाह लेते हैं। तो मान लो उद्धव जैसे लोगों के बीच में बैठे भगवान कोई राजनीतिक चर्चा अपनी सभा में कर रहे हो और वहां मधुमंगल जैसा कोई सखा आ गया हो, वो तो यही कहेगा एक नहीं है, चल उठ यहां से गेंद खेलते हैं, ये बाद में करना अपनी सभा मीटिंग सब, चल हमारे साथ गेंद खेल, आएगा चराने चलते हैं, आओ हम लोग जमुना स्नान करने चलते हैं। वहां का भाव है मधुर्य माधुर्य से परिपूर्ण और मथुरा का भाव है ऐश्वर्य से परिपूर्ण। तो अलग अलग संबंध है, इसलिए भगवान ने कहा नहीं नहीं, ब्रज का अलग भाव है, इनका अलग भाव है, तो उनको लाकर भी नहीं बसाया। अनेक ऐसे कारण हैं। अब उद्धव जी महाराज श्री कृष्ण के पास जाते हैं। उद्धव कौन? बोले वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षा। उद्धव उद्धव बुद्धिशत्तम। यदुवंशियों के महामंत्री है, कृष्ण के सखा है, बृहस्पति जी के शिष्य है, नाम है उद्धव जी। उद्धव जी श्री कृष्ण के पास जाते हैं, पूछते हैं कृष्ण आपको कोई मथुरा में तकलीफ है, आपको कोई कष्ट है, आप जब से आए हो रोते रहते हो, क्या बात है? भगवान कृष्ण अपने कक्ष में अपने पर्यंक से खड़े होकर के उद्धव जी को हृदय से कसकर पकड़ लेते हैं और कहने लगे उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही हंस सुता को सुंदर कलरव अरु कुंजन की छां। उद्धव मुझे मेरे वृंदावन की बहुत याद आती है। अच्छा तुम ये मत सोचना कि मथुरा में कोई तकलीफ है, नहीं नहीं, यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुकुता जिए माही जब ही सुर दिया वतवा सुख की जिए युमगत मनमा। तुम्हारी मथुरा कंचन की नगरी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे वृंदावन जैसा प्रेम कौन दे सकता है? उद्धव मुझे उनकी बहुत याद आती है, कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैंने भोले भाले ब्रजवासियों के साथ कितना बड़ा धोखा किया। जो ब्रज की गोपियां, जो मेरे सखा नंद बाबा जसोदा माँ मुझे अपना सर्वस्व समझते थे। उद्धव मैं थोड़ा सा दूध कम पीता तो माँ दुनिया भर के वैद्यों को बुला लेती, अरे मेरे लाला को क्या कष्ट है। मुझे कोई दुख होता तो माँ दुनिया भर के ज्योतिषियों को बुला लेती, कुंडली देखो मेरे लाला को कहा भयो। ऐसी वृद्धा माता को जो हाथ में लकड़ी लेकर के पीछे पीछे दौड़ती आई रथ रोको रथ रोको रथ रोको, उसी माँ को मैंने ये कह दिया कि माँ मैं परसों आ जाऊंगा। उद्धव यदि मुझे बरसों तक नहीं जाना था तो परसों की कहकर क्यों आया? मेरा मन मुझे कचोटता है कि मैंने माँ जसोदा के साथ भी धोखा किया है। उद्धव मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन सब लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं मुरली बजाता तो ब्रज के पशु पक्षी भी मुझे घेर कर खड़े हो जाते, लाला और बजाओ ना गोपाल। उद्धव मैंने उन भोले भाले ब्रजवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, जिनका प्राण धन में था,
जिनका उठना बैठना खाना पीना नाचना गाना सब कुछ मेरे लिए था। कृष्णमय जीवन जिन्होंने जिया मैंने उनको रोता बिलखता छोड़ दिया। मुझे कभी कभी उनकी बहुत याद आती है। एकांत में बैठा रोता हूँ। अच्छा कभी मैं ये सोचता हूँ कि मुझे इतनी याद क्यों आती है। शायद वो लोग भी मुझे बहुत याद करते होंगे। वो भी मुझे याद करते होंगे इसलिए मुझे बहुत याद आती है। एक काम करो तुम जाओ और उनको समझाओ। एक ही बात कहना कि वो लोग मुझे भूल जाए भूल जाए। उद्धव जी के नेत्र सजल हो गए। वारे कन्हैया परसों की कह करके आया आज बरसों बीत गए और इतनी याद आ रही है तो कह रहा है कि मैं जाऊं और बोल दूं भूल जाओ। ये उनके प्रेम का बदला है। उन्होंने इतना प्रेम किया तो क्या तुम बदले में ये दे रहे हो कि जाओ भूल जाओ। कृष्ण ये भूलना इतना सरल काम है तो तुम ही भूल जाओ। तुम क्यों रोते हो तुम भी भूल जाओ। ये भूलना इतना सरल काम नहीं है केशव। और फिर मैं क्या जाऊं क्या समझाऊं। मैं तो बृहस्पति जी का शिष्य हूं। शोहमस्मि की भाषा बोलने वाला हूं। आत्मा और ब्रह्म की बात करने वाला तत्व की बात करने वाला वो बेचारे भोले भाले क्या समझेंगे मेरी भाषा। अनपढ़ लोग हैं अशिक्षित लोग हैं क्या समझेंगे। भगवान ने कहा एक काम करो सरल करके बताना शायद प्रयास करना समझ जाएंगे। मेरा मोर पंख लगा करके जाओ पीतांबरी पहन कर जाओ मेरे रथ में बैठ करके जाओ क्योंकि वो लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं बात भी उसी से करेंगे जिससे मेरा संबंध है। कृष्ण ने अपना रथ दिया अपना पीतांबर दिया अपना मोर पंख पहनाया आभूषण आदि प्रदान करके उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी चल पड़े। देखो कन्हैया आपकी आज्ञा पालन करना तो मेरा नैतिक कर्तव्य है लेकिन मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा क्योंकि वो लोग क्या समझेंगे मेरी भाषा। मैं तो विद्वान हूं बस कोई घंटा आधा घंटा रुक करके मैं आ जाऊंगा। उद्धव जी से कृष्ण बोले जाओ तो सही कितने समय में आते हो वो तो आने पर पता चलेगा। उद्धव जी चले। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कृष्ण के विरह में इन ब्रजवासियों की क्या हालत है। रोज सवेरे उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में और मथुरा जाने वाले रास्ते पर बैठ जाते हैं और प्रतिपल यही स्मरण करते हैं शायद हमारा लाला आज आ रहा है शायद हमारा गोपाल आज आ रहा है हमारा कन्हैया आज आ रहा है। दिन भर बैठे बैठे प्रतीक्षा करते सूर्यास्त हो जाता उदास मुंह लटकाए नंदरानी के द्वार पर जाकर के बोलते मैया वो निष्ठुर आज भी ना आया वो आज भी नहीं आया। ऐसा कह करके चले जाते रात भर रोते रोते बिताते सवेरे फिर मथुरा वाले रास्ते पर बैठ जाते शायद कन्हैया आज आ जाए। सुखदेव जी कहते परीक्षित उन ब्रजवासियों का एक एक क्षण कृष्ण के स्मरण में बीत रहा है। आज दूर से रथ आता दिखाई दिया कृष्ण के सखा मधुमंगल सुबल तो श्रीदामा मनसुखा। अरे भैया ये तो वही रथ है जिसमें हमारा लाला गया था। जिसमें हमारा कन्हैया गया था ये तो वही रथ है। एक ने कहा कि लगता है हमारा गोपाल आ गया हमारा कन्हैया आ गया।
सब सखा दौड़ पड़े सामने। मधुमंगल बोले, जाओ तुम लोग मिलो उससे, करो बात, मुझे नहीं मिलना उस निष्ठुर से। इतने समय बाद आ रहा है, बात नहीं करनी मुझे उससे। और मधुमंगल झाड़ी में छुप कर बैठ गया। महाराज जब सब सखा दौड़े तो मधुमंगल अकेला छुपकर जो बैठा था उसे रहा नहीं गया। बोले मैं शिकायत बाद में कर लूंगा, उलाहना बाद में दे दूंगा, लेकिन एक बार गोपाल को हृदय से तो लगा लूं, फिर शिकायत करता रहूंगा। पर मधुमंगल जो छुपकर बैठा था उन सखाओं से पहले पहुंच गया। अब तो मैं कन्हैया से हाथ जुड़वाकर माफी मंगवाऊंगा कि मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। और बाद में कान पकड़कर जब संकल्प करेगा ना कि अब मथुरा नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सखाओं का भाव है, लेकिन रथ में देखा तो कोई और ही बैठा है। भैया जी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ने उद्धव जी ने कहा, आप लोग मुझे नंद बाबा और यशोदा माता का महल बता सकते हैं, नंद भवन दिखा सकते हैं। मैं यदुवंशियों का महामंत्री हूँ, कृष्ण का सखा हूँ। गोपाल ने भेजा है मुझे, उनको बहुत याद आती है। सखा लोग निर्जर हो गए, बोले वारे कन्हैया इतने वर्षों बाद याद आई और सखा भेजा है। उद्धव नंद बाबा यशोदा माता का महल है, कोई नहीं पूछता जब से कृष्ण गया है। ये जो सामने तुम्हें पानी का पनारा दिख रहा है, हाँ बोले इसी के किनारे किनारे चले जाओ, जहां इसका उद्गम है वही नंदरानी जसोदा का महल है। क्योंकि तुम्हें जो ये नाला दिख रहा है ये कोई साधारण पानी नहीं है। कृष्ण के विरह में हजारों गोपियां, लाखों गायें, नंद बाबा यशोदा माता कृष्ण विरह में रोते हैं, उन्हें के आंखों से निकलने वाले आंसुओं ने ही पनारे का रूप ले लिया। उद्धव जी के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई, बोले हे भगवान इस ब्रज में इतना प्रेम। उद्धव जी महाराज मन ही मन गोपाल का सुमिरन करने लगे, प्रभु इस वृंदावन जैसा प्रेम तो कौन कौन कर सकता है। सखा लोग चले गए, उद्धव जी आए और नंद भवन में प्रवेश करते हैं। उद्धव जी महाराज को देखा, कृष्ण की वेशभूषा, कृष्ण का पीतांबर, कृष्ण का मोर पंख। नंद बाबा को एक बार लगा मेरा गोपाल आ गया है, अरे मेरा गोविंद आ गया है। दौड़ करके गए, उद्धव को कस कर पकड़ लिया, अपने बाहों में भर लिया। कृष्ण की एक एक बात, एक एक लीला, एक एक चरित्र नंद बाबा की स्मृति में आया और रोते हुए कहने लगे, उद्धव अब नियम भी तो करना पड़ता है, अतिथि आया है, पहले ही कोई संदेश पूछना शुरू कर दे तो ये भी होता है कई बार कि इनको तो खाली समाचार से मतलब है, कौन आया है, क्या किस तरह स्वागत करना चाहिए। उद्धव जी महाराज को गौर से देख करके कहा, मेरे कृष्ण का वेश तो पहना है पर मेरा कृष्ण नहीं है। कृष्ण जैसा जरूर है पर कृष्ण कृष्ण नहीं है। महाराज मैं कृष्ण का सखा हूं। नंद बाबा का वात्सल्य उमड़ गया और भोजन करवाया, चर्चा करी, कक्ष में बिठाया, विश्राम किया। उद्धव जी ने थकान उतरी, नंद बाबा यशोदा माता दोनों पास में बैठ गए। यदुवंशियों की कुशल पूछी, वसुदेव मेरे सखा ठीक है और मथुरा में कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को?
अब यदुवंशियों का पूछते पूछते वसुदेव जी का पूछा तो कृष्ण की याद आ गई। नंद बाबा कहने लगे, अब अपने लाडले का सखा आया, पूछना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर वाणी काम नहीं कर, अवरुद्ध हो गई, बोल नहीं पा रहे, प्रश्नों की तो झड़ी लगाना चाहते हैं। नंद बाबा एक एक कृष्ण के बारे में जानने को उत्सुक है, सारे यदुवंशी सानंद है, अब तो सबका वो कलंक कंस मर गया इसलिए सब सुखी ही है। लोग कहते हैं कि मेरे कृष्ण ने कंस को मार दिया, पर भैया मैं तो यही कहूंगा उसको कृष्ण ने ही नहीं, उसको अपने पापों ने ही मार दिया। संतों से, साधुओं से, ब्राह्मणों से द्वेष रखता था 24 घंटे, इसलिए पाप नहीं मार दिया। अपि स्मरति न कृष्ण मातरम सुहृद सखिन गोपान व्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। नंद बाबा बोले, कृष्ण मथुरा में है तो सानंद कुशल है। फिर बोले, नहीं नहीं अब ये प्रश्न तो पूछना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि अब मथुरा के महलों में उसे तकलीफ थोड़ी है, अब कोई उसको गाय चराने थोड़ी जाना पड़ता है, अब वो कोई गाय लेकर थोड़ी जाता है, नंगे पांव दिन भर जंगल में थोड़ी घूमता है, अब वो तो मथुरा में रहता है, इसलिए कुशल की तो पूछना ही गलत है, कुशल ही है, आनंद ही है, तो वहां से यहाँ बहुत तकलीफ दिन भर। लेकिन एक बात बताओ उद्धव, बाकी किसी को नहीं तो कम से कम अपनी माँ को तो याद करता होगा। मातरम सुहृद सखी, अब उसको मथुरा के भव्य भवनों में क्या कभी कभी इस वृंदावन की याद आती है? क्या उसको उस ऐसो आराम में, सुख में, ठाट में कभी यमुना का किनारा याद आता है? ये यमुना पुलिन तक उसको स्मरण होता है? क्या कभी अपने सखा इन गायों को जिनको वो कारी, कामर, धोरी, धूमर, चटकन, मटकन कितने नामों से बोलता था, क्या इन गाय की कभी याद करता है वो? क्या अपने माँ के हाथ का माखन याद आता है उसे कभी? ऐसे ऐसे अद्भुत प्रश्न पूछे महाराज, उद्धव जी की बोलती बंद हो गई, क्या जवाब दूं मैं? उद्धव मेरे ये नेत्र तरस रहे हैं कि एक बार लाला को देख लूं, एक बार उसको निहार लूं। मेरे नेत्रों की ज्वाला शांत तब हो जब मैं कृष्ण का दर्शन करूं। उद्धव कृष्ण ने दावाग्नि पान करके हमारी रक्षा करी, क्या आज के दिन इस तरह तड़फाने के लिए? अरे यदि उस दावाग्नि से बचाया तो अब इस वीराग्नि में क्यों जला रहा है? और इतना कहते कहते अत्युत कंठो भवत तुष्णिम, नंद बाबा का कंठ इतना रुंध गया कि वाणी मौन हो गई, अब बोला नहीं जाता। नंद बाबा, यशोदा मैया भी कुछ नहीं बोल पा रही है, अपने लाला की खाली चर्चा मात्र सुनने से माँ का वात्सल्य उमड़ गया और दो चीजें एक साथ हुई, कृष्ण की बात और चर्चा करते ही नंदरानी के नेत्रों में आंसू और स्तनों में दूध, आंचल में दूध की धार बह चली और नेत्रों में। उद्धव जैसा ज्ञानी आज नंद बाबा और यशोदा माँ की स्थिति देखकर मौन हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहा। उद्धव को समझ में नहीं आया मैं कहां से प्रारंभ करूं, कहां पर इनको बताऊं, क्या इनको समझाऊं, ये तो कृष्ण के अलावा कुछ जानना नहीं चाहते, कुछ देखना नहीं चाहते, किसी को मानते नहीं, किसी को जानते नहीं, इनकी तो ऐसी वात्सल्यमय स्थिति है। और सज्जनों, माँ का प्रेम तो माँ का है, नंदरानी यशोदा कहने लगी,
उदो, मेरा गोपाल बड़ा संकोची है। मथुरा में उसको कोई उसको ताजा माखन मिलता है कि नहीं, समय पर भोजन करता है कि नहीं, बहुत थक गया होगा। क्या माँ का प्रेम है, बच्चा कितना भी हष्ट पुष्ट हो, कितना भी शरीर में स्वस्थ हो, लेकिन माँ देखते थक गया है, थक गया है मेरा। सज्जनों, माँ और पिता के प्रेम में भी थोड़ा सा अंतर है। पितुर दस गुणा माता गौरवेणा तिरिच्यते, पिताजी से भी दस गुणा ऊंचा स्थान माँ का है। पर बहुत बार मैंने ऐसा देखा है, पिताजी भले ही पुत्र के लौटने पर पूछ लेते हैं, बेटा कितना कमाया, क्या कमाया, पर मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई माँ हो जिसने आज तक ये पूछा हो कि तुमने कितना कमाया। पिताजी पूछ लेते हैं, बेटा कितना कमाया, लेकिन मैंने मुझे लगता है माँ सबसे पहले यही पूछेगी, बेटा कुछ खाया, अरे तू भूखा लग रहा है, कुछ खाया कि नहीं तूने। एक एक कृष्ण की लीला दोनों स्मरण करवाने लगे और कहने लगे, उद्धव ये वही मेरा भवन है, ये वही मेरा महल है, जिसके आंगन में मैं कभी गोपाल की अंगुली पकड़कर नचाती और मेरा गोपाल नृत्य करता। इस 85 चौक के भव्य भवन के कोने कोने में कृष्ण 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 की ध्वनि हो रही है। आज मेरा ये नंद भवन सूना पड़ा है, क्योंकि वही तो मेरा सब कुछ है, वही तो मेरी आंखों का तारा है। मन नहीं लगता उद्धव इस भवन में, और कृष्ण की एक एक बाल लीला का नंदरानी जसोदा स्मरण करवाने लगी। उद्धव एक दिन की बात, मैंने कन्हैया को माखन रोटी हाथ में दे दिया, नहला धुला करके श्रृंगार करके मेरा गोपाल आंगन में ठुमक ठुमक कर नृत्य करे, माखन रोटी खाएं, नृत्य करे। लसखान जी ने अद्भुत वर्णन किया, धूलि भरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, वा छवि को रस खान मिलो लोकत, वारत काम करा निधि कोटी, काग के भाग कहा कहियो, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। उद्धव सुंदर नहला धुलाकर श्रृंगार करके मैंने लाला को मिश्री माखन रोटी हाथ में धर दिया, गोपाल खावे ठुमक ठुमक कर नाचे। लेकिन वही समय कौवा उड़ता हुआ आया और रोटी छुड़ा करके ले गया। मेरा गोपाल मचल गया, मैं वही रोटी को लूंगा, चाहे कौवा से युद्ध ही क्यों न करना पड़े, मैं वही रोटी लूंगा। ऐसी ऐसी लीला इस आंगन में करी। रसखान जी ने कहा, मैं उस कौवे के भाग्य की सराहना कहां तक करूं जो हरि के हाथ का माखन रोटी लेकर चला गया। महाराज, उद्धव जी के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई, नंदरानी के रोते रोते नेत्र कमजोर हो गए, आंखों से दिखना बंद हो गया है। बहुत समय तक एक भवन के खंबे से बरामदे में सिर लगाए बैठी रहती है, कई कई दिन तक यशोदा जी कुछ नहीं खाती। आज उद्धव जी ने कहा, आप दोनों महामानव है, आपका जीवन सार्थक हो गया, आपने कृष्ण जैसे रत्न को इस धरती को दिया है, इतने बड़े धर्म संस्थापक को आपने
इस जनमानस को देकर के बहुत बड़ा कल्याण किया। लेकिन अब एक बात मैं आपको समझाऊं, वो कृष्ण निर्गुण है, वो कृष्ण निराकार है, वो निर्विशेष है, निरुपाद निरुपम है। आप ऐसे रो करके बिलख करके उसके लिए मत तड़फिए, क्योंकि जैसे लकड़ी में आग रहती है वैसे वो सब जगह रहता है। अब लकड़ी दूसरी जगह ले जाए तो क्या उसमें आग नहीं है? प्रत्येक लकड़ी में आग है, ऐसे ही कण कण में वो कृष्ण विद्यमान है। वो तो ब्रह्म है। नंद बाबा बोले, भैया तेरा ये उपदेश मेरी समझ में ना हो। उद्धव तू कह रहा है मेरा साक्षात कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है। तुम एक छोटी मोटी बात बताता हूँ, किसी का पागल पुत्र भी घर छोड़ करके चला जाए, एकदम कितना भी ही कोई काम धंधा न करता हो, निकम्मा हो और घर के लिए भार हो, ऐसा पुत्र भी घर छोड़कर चला जाए तो वो माता पिता नहीं रह सकते हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिर हमारा कृष्ण जैसा बेटा जिसको तू भगवान कह रहा है और वो घर छोड़कर चला जाए तो हमारा जीवन कैसे? हमारा जीवन जिसे तू भगवान कह रहा है वो मेरा कृष्ण तो कहता है कि उसके हाथ पांव नहीं होता, उसका कोई शरीर नहीं होता, वो तो निराकार होता है। हमारी आंखों के सामने तो उसकी कोई भगवत्ता नहीं दिखती। भगवान तू कह रहा है तो उसकी भगवत्ता तो नहीं दिखती, क्योंकि वो तो एकदम नटखट। यदि तू कहता है कि वो निराकार है, बंधन में नहीं बनता, तो पूछ उसकी माँ से, इसने उखल से बांधा था। तू कहता है कि वो तो परिपूर्ण है, परमात्मा परिपूर्ण है, तो क्यों चोरी करता था माखन की? तू कहता है कि वो तो एकदम धीर वीर गंभीर शांतरस है। मैं कहता हूँ बहुत नटखट है, इतना नटखट है वो अपने सखाओं के साथ दिन भर जमुना के कुंजन तट पर टहलता रहता है, और तू कहता है वो ऐसा है। मैं कैसे मान लूं कि कृष्ण भगवान है? नहीं। नंद बाबा और इन सब के साथ बड़ी चर्चा हुई। उद्धव तू कह तो रहा है कृष्ण यहाँ है, कृष्ण वहां है, कृष्ण सब जगह है, वो तो निराकार है, तेरी बात तो ठीक है। लेकिन किसी आदमी को प्यास लगी हो और उसको कोई ये कह दे कि पानी पताल में भी है, पानी ऊपर आकाश में भी है और पांच तत्व में शरीर में भी एक तत्व पानी है, तो पानी कहाँ नहीं है? तो पानी का प्रवचन सुनाने से क्या प्यास बुझ गई? इसलिए उद्धव कृष्ण सब जगह हैं, ये प्रवचन तो है, लेकिन कृष्ण को इन आंखों से देखूं ना तब तक मेरी प्यास। अंखियां हरि दर्शन की प्यासी पर देखन चाहत उस कमल नयन को निसदिन रहत उदासन। उद्धव जी और नंद बाबा और यशोदा माँ पूरी रात चर्चा हुई। बीत गई रात्रि, सुबह हुआ, स्नान आदि करके उद्धव जी महाराज यमुना जी की ओर चल दिए। बार बार नंद बाबा यशोदा जी का चरण धूलि उठाकर माथे से लगाया। माँ माँ तू धन्य है, मेरे जैसे करोड़ ज्ञानी यदि तेरे पांव की एक चरण की धूल के कण पर वार दिए जाए तो भी तेरी बराबरी नहीं हो सकती। माँ तू तो इतनी महान है। इधर जो ही यमुना के निकुंज में प्रवेश करते हैं, क्या देखा? सारी गोपियां बैठी हैं, किशोरी राधा रानी और किशोरी जी से सब अपने अपने स्वप्न की चर्चा कर रही हैं। अरे हमारे घर श्याम सुंदर आए थे सपने में, बछड़ा खोलकर भाग गए। एक बोली हमारे घर आए थे मटकी फोड़कर भाग गए, दूसरी बोली हमारे घर माखन चुराकर भाग गए, तीसरी अब सब ऐसे ऐसे कह रही है। तब तक एक सखी ने कहा राधा रानी से, किशोरी जी क्या आपको श्याम सुंदर सपने में नहीं दिखते? राधा रानी ने कहा स्वप्ने पश्यंतिया कांतम धन्यास्ता सखियो सीता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पिवैरी
अरे गोपियों जिनको श्याम सुंदर सपने में दिखते हैं वो सब बड़ी सौभाग्यवती हैं, पर मैं क्या बताऊं जिस दिन से प्राण बल्लभ मथुरा गए हैं ये बैरिणी नींद भी उनके साथ चली गई है। अरे नींद आवे तब तो सपना आवे और सपना आवे तब तो सुनाऊं। उद्धव जी खड़े खड़े सुन रहे, भगवान गोविंद गए सोई नहीं, कृष्ण के प्रति इतना प्रेम इस वृंदावन में। उद्धव जी महाराज वहीं पीछे खड़े खड़े सुन रहे हैं, महाराज बहुत लंबी सुंदर चर्चा है, गोपी उद्धव संवाद तो हमारे कई मनीषियों ने इतना अद्भुत गाया है। अक्रूर ये उस रथ को देख करके गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, बोले रही वही रथ है, ये वही रथ है जिसमें अक्रूर हमारे प्राण बल्लभ को लेकर गया था, अक्रूर कृष्ण को बिठा करके ले गया था। मुझे लगता है वो अक्रूर फिर आ गया। एक बोली अब काहे को आएगा, दूसरी बोली पहले हमारे कृष्ण को ले गया, कन्हैया को ले गया, और हमारे गोविंद ने उसके मालिक कंस को मार दिया, अब उसके मालिक जब मर गया है कंस तो हमारे हाथों से उसका पिंडदान करवाने ले जा रहा है। प्रेम की भाषा बड़ी विचित्र है। फिर आ गया ये अक्रूर, अक्रूर आगत किंबा यह कंसस्यार्थ साधक है। आपस में लेकर के उस रथ की चर्चा कर रही थी। उद्धव जी की सामली सलोनी सूरत देखी, पीतांबर देखा, मोर कोट देखा, अरे ये तो बिल्कुल हमारे गोविंद जैसा है, वेशभूषा वाला कौन है कन्हैया के जैसा। दौड़ करके सब गई, उद्धव को घेर कर लिया, पहचान गई, अरे तो हमारे प्यारे के भेजे हुए सखा हो तुम, हमारे प्यारे के, हम अच्छी तरह इस पीतांबर से परिचित हैं जो तुमने पहन रखा है, जान गई। लेकिन एक ने कहा अब वो हमारे प्यारे काहे के, हमारे कृष्ण काहे के, तो अब तो वो यदुपति है, यादवों के है पति। और पूछने लगी, कुशल पूछती है, शायद माँ पिता की थोड़ी बहुत याद आई है, प्रेम बुलाया नहीं गया तो आपको भेज दिया होगा, बाकी तो उसे किसी से लेना देना नहीं है। जंगल में आग लगने पर जैसे पक्षी उड़ उड़ उड़कर चले जाते हैं ऐसे ही वो तो यहाँ से छोड़कर चला गया। कई उदाहरण दिए यहाँ, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, जंगल में आग लगने पर जानवर छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी गोपी बोली हाँ ठीक कहा बहन, ऐसे ही छोड़ा जैसे पुष्प का पराग लेकर के भंवरा उड़ जाता है। तीसरी बोली नहीं नहीं ऐसे ही जैसे कोई गणी का धन लेकर के उस धनहीन पुरुष को भोग के बाद छोड़कर चली जाती है। एक बोली वैसे ही जैसे कोई ब्राह्मण अपना कर्म करवा करके, यज्ञ करवा करके दक्षिणा लेकर के यजमान को छोड़कर चला जाता है, जैसे अतिथि भोजन करके घर छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार दृष्टांतों की झड़ी लगा दी, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। अब उद्धव जी तो मौन खड़े हैं। तब तक क्या हुआ, उड़ता उड़ता एक भंवरा, अद्भुत गीत है ये भी भ्रमर की। गोपियों ने उस भंवरे को देखा, एक ने कहा अरे देखो देखो ये भंवरा गुनगुनाता हुआ आया है, ये कृष्ण रंग का है, काला है, और हमारा कृष्ण भी काला है। एक गोपी ने कहा ये काले काले जितने हैं सब कपटी है, काले सब कपटी है। दूसरी बोली अरे कपटी, हाँ बिल्कुल कपटी है। मधुपकि तव बंधो मास प्रिसांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम स्मश्रुभिर्नय वहतु मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्यम यस्य दूतस्त्वमीदे मधुपकि तव बंधो, मधुपकि तव बंधो। अरे भवरे तू उस कपटी कृष्ण का मित्र है ना, तेरे लक्षण भी वैसे ही बता रहे हैं। खुदो कारे कारे सब ही बुरे कारो अंजन देत त्रिगन में गहरी चोट करे कोयल को सुत कागा पाले अपनो ही ध्यान धरे पंख लगे तब उड़ने लागे जाय कुटुंब मिले अरे सूर श्याम कारे मतवारे से काल डरे। उदो ये कारे कारे सब ही
बुरे, ये काले जितने हैं सब कपटी। और कौवा को कितना ही खिलाओ पिलाओ लेकिन उसकी कपट कथा कौन नहीं जानता। जाता रहेगा जब पेट भर गया तो गया। और कभी कभी तो जो खिला पिला रहा है उसी की खोपड़ी में चोंच मार देता है। ऐसा ही उस कृष्ण ने किया है। कहां तक उसकी कपट कथा सुनावे। एक बोली तू कह रही कपटी, मैं बताऊं आज का नहीं वो जन्म जन्मांतर का कपटी। मृग युरिव कपिंद्रम विव्यते लुप्त धर्मास स्त्रियम कृत विरूपा स्त्री जिताय काम याना बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट यद्वांक्ष वदयास तदलमसित सख्यै दुस्त्यजस्तत् कथार्थः। मृगयूरी में कपिंद्रम वो आज का नहीं जन्म जन्मांतर का कपटी है। बिचारे क्या बिगड़ा था उस बाली ने जो छुपकर बाण मार दिया। अरे क्या बिगड़ा था उस बिचारी सूपन खाने। आई तो थी शादी करने के लिए, नहीं करनी थी तो मना कर देते, शादी की नहीं और शादी के योग्य छोड़ा और नहीं। वो तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। क्या बिगड़ा था बिचारे उस राजा बलि ने। 52 अंगुल का बनकर गया और सब लूट लिया बिचारे। जिसने इस कपटी कृष्ण से प्रेम किया है मिला क्या। बाली को छुपकर मार दिया, बलि का सब कुछ छीन लिया, सुपन का के नाकान काट दिए। उस हरिश्चंद्र ने प्रेम किया था, सत्य पर चला था, बिचारे को क्या मिला। एक दिन पत्नी और पुत्र के सहित जाकर काशी के भरे बाजार में बिकना पड़ा। उस मोरध्वज ने प्रेम किया, क्या मिला, बेटे के सिर पर आरी चलानी पड़ी। उस ददीची ने सिबी ने प्रेम किया, काट काट कर हड्डियां तोड़नी पड़ी, अपने शरीर को देना पड़ा। इस कपटी कृष्ण से प्रेम जिसने किया उसे मिला क्या। जिसे जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो इस दिल की बेकली का हाल, न प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। अरे भला किसको बताएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वेद मिलता है न कोई उपचार मिलता है। दूर रहने पर न जाने क्या क्या बात होती है, हृदय का तार से जब उस हृदय का तार मिलता है। और जहाँ कुछ छल चलाता हुआ अस्त्र बिंदु दिखलाई दे उसी भागवत में सामरा सरकार मिलता है। वो तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। और ऐसे गोपियां चर्चा कर रही है। उद्धव जी महाराज बोले देवियों मैं तुम्हारी सत्संग 1.5 घंटे से सुन चुका हूं और तुम्हारी ये सत्संग ये वार्ता ये सब सुनते सुनते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। उद्धव जी ने तो वो ज्ञान जो नंद बाबा को दिया वो यही दे रहे कि तुम जिस कृष्ण को अपना प्रियतम मान रहे हो जिसे तुम अपना प्रेमी समझ रही हो वो कृष्ण ब्रह्म है। और ब्रह्म निराकार होता है, निर्गुण होता है, उसका कोई हाथ पांव नहीं। गोपियों ने टेढ़ी नजर से देखा हाथ पांव नहीं है तो छींके से माखन उतारा कैसे, पांव नहीं है गाय चराने गया कैसे, शरीर नहीं है रास विहार किया कैसे। और भक्त को तो कोई ज्ञानी समझा नहीं सकता। उद्धव जी महाराज बोले अरे वो तुम्हारा प्रियतम नहीं है, वो तो ब्रह्म है, वो तो निर्गुण निर्विकार है, इसलिए ये भटकाव खत्म करो और उस परमात्मा में मन लगाओ। गोपियों ने फिर टेढ़ी नजर से देखते हुए कहा उद्धव ये मन ना रहे 10-20 मन न रहे एक हो तो वो गयो श्याम संग अब गोवा राधे अरे मन न रहे तस्वीर। मन तो एक होता है और वो मन माधव के साथ मथुरा चला गया।
अब तेरे ब्रह्म के लिए दूसरा मन लावे कहां थे? हमारे पास नहीं है, पर हमारी भी सुन लो, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती, किसी परमात्मा को नहीं जानती, किसी भगवान को नहीं जानती। तो श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठ याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही है श्यामती है श्याम बिना नाई जिए, आंधे किसी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भला श्याम नाम है। हमारा तन मन धन केवल श्री कृष्ण है, उसके अलावा हम किसी को जानती नहीं और किसी को जानना चाहती भी, चाहे वो ना मिले कोई बात नहीं। अरे उससे मिलन का, उससे योग का जितना आनंद है, उसके वियोग में रोना भी तो उतना ही आनंद है। जितना योग में है उतना उसके वियोग में भी है। इसलिए है उधो तुम आए हमें समझाने आए हो, उधो तुम भय बोरे पाती लेकर आए, दोरे तेरा योग कौन जाने, यहाँ तो रोग रोम 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 श्याम है, तेरे योग को यहाँ जानने वाला कोई नहीं है, यहाँ रोम रोम श्याम है। और उद्धव जी को समझाने लगी गोपी, मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, झड़ी लगा ले। उद्धव जैसे ज्ञान के हैं, उद्धव जैसे ज्ञानी के जो ज्ञान की सीढ़ियां थी वो खिसकने लगी। उद्धव जी महाराज को हाथ जोड़कर खड़े हो रहे, अब तो ब्रजांगनाएं रोने लगी, भाव विवल हो गई। उद्धव बस एक एक बार हम गोविंद के दर्शन कर ले, एक बार प्रभु हमें मिल जाए। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगी, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगी, अरे कभी तो मिलेगा वो बांके बिहारी, चरण पकड़कर मनाया करेंगी, कन्हैया कन्हैया पुकारा। अनेक भाव है संतों के। हमारे पंजाब के एक संत गाते, जा जावे उधो तुरैया जा दुखियान सता के की लेना, तू चला जा बस हमें परेशान मत कर, हमें हमारे हाल में छोड़ दे, क्योंकि हमें उसके विरह में रोने में भी आनंद है सुख है। जा जा भाई उधो तुरिया जा, सानू गहरे गमा विच रोड़ गया, साड़ियां लगियां प्रीता तोड़ गया, वो जुदा रहे पर वसदा रहे, जहां भी रहे हमारा गोपाल प्रसन्न रहे, वो जुदा रहे वसदा रहे अनु तड़फा के की लेना। जा जावे उधो तुरिया तो चला जा बस, वो जहां है बस प्रसन्न रहे, हमारे प्राण बल्लभ की प्रसन्नता में ही हमारी खुशी है। इसी का नाम तो प्रेम है, हम राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। तुम क्या सोचते हो कि वो मिलता नहीं, वो तो सुपने भी चांदा रहता है, गल नाल लोंदा रहंदा है, हरदम यो नाल ही रहंदा है, आसी मथुरा जाके की लेना, क्यों जाए तेरी मथुरा, हमारे सिरदा साडे ते सिरदा ताज यो ब्रजराज यो महाराज यो है, और किसी को लुकी लेना, हम और किसी के पास क्यों जाए, क्यों जाने क्यों पहचाने। एक 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 संत के भाव हमने सुने थे पंजाब, अद्भुत। और हमारे वृंदावन के जो संतों का भाव है वो तो बहुत अद्भुत है। कह दिया गोपियों ने उधो से, बोले ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की करे हो।
गोपियों ने इसे प्रश्नों की झड़ी लगाई। उद्धव जी श्री कृष्ण को ये कह करके आए थे कि मैं कोई एक आध घंटा रुकूंगा और यहाँ 7 महीना लग गया। उद्धव जैसा ज्ञानी गोपियों के प्रेम के सिंधु में गोता लगाता ही रह गया और गोपियों ने जो इतनी उलाना दी है इस पर हमारे कई साधकों ने बहुत सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। अभी जो आपने सुना था रसखान जी का भाव, ऐसे ही बहुत सारे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हुए हैं। दास सतार के भी भाव जिन्होंने भी बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी इसी पद पर हैं। मानो ब्रज की गोपियां कह रही है, बोले कुब जाने कछु कामन कीना, शाम को बस में कीना, विरह अगन भूकत सीना, किस विध होगा जीना, ए सखीरी किस विध होगा जीना। अरे कोई जाय कहो पियो पास रहो, कोई जाय कहो पियो पास रहो, मेरे मन की पूरो आस रे, आओ बजाओ बांसुरिया, जाय कहो पियो पास रहो, मेरे मन की पूरो आस रे, आओ बजाओ बांसुरिया। Love.
सारे मनीषियों के अद्भुत अद्भुत भाव है। उद्धव जी बोले, मैं आपको प्रणाम नहीं करता, प्रणाम तो करने योग्य हुई नहीं। उद्धव जी बोले, मैं तो आपके चरण की धूली को प्रणाम करता हूं। वंदे नंद क्यों? क्योंकि इनके मुख से कृष्ण कथा निकल रही है और वो कृष्ण कथा त्रिभुवन को पवित्र कर रही है। पुनाति भुवन त्रयम्, ये तो भुवन पवित्र करते हैं। देखो, भगवान की कथा के श्लोक जाएं, भगवान की कथा की चौपाइयां जाएं, भगवान की कथा के शब्द पुष्प जहां तक जाएं, कहते हैं वो धरा धन्य हो जाती है, वो भुवन पवित्र हो जाता है। नंद जी का ये ब्रज धन्य है जिसमें आपके मुख से कृष्ण कथा निकल रही है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और उद्धव जी की भी बहुत अच्छी इच्छा देखो आप। आसा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधीनां यादुस्तजम सुजन मार्ज पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदविम श्रुतिभिः विमृग्याम। ए प्रभु, मुझे मनुष्य बनाओ तो वृंदावन में बनाओ, मैं पशु भी बनूं तो नंद जी के यहाँ आकर के बनूं, मैं कोई पत्थर का टुकड़ा भी बनूं तो गोवर्धन का बनूं, मैं कोई तृण घास फूस भी बनूं तो इस ब्रज के वन में बनूं। एकदम सिद्ध हो गया, देखो देखो। और वो ही उद्धव जी जब चले, ये प्रसंग जिस जगह हुआ था वृंदावन में, उसी क्षेत्र का नाम है ज्ञानगुदड़ी, ज्ञानगुदड़ी। और वहां लोग आते हैं, बोले उदो सूदो हे चलियो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी तो प्रेम घुरायो ढोल। उद्धव जी के ज्ञान की डुगडुगी गोपियों के प्रेम के ढोल के आगे बजती रह गई और हाथ जोड़कर बोला, सूर्यास्त कल का बाद में होगा पर मैं प्रभु का दर्शन आपको कराऊंगा। उद्धव जी भगवान के पास में गए और भगवान जाते ही मुस्कुरा कर बोले, आओ ज्ञानी जी। उद्धव जी बोले, कन्हैया तेरे जैसा निष्ठुर मैंने दुनिया में नहीं देखा, इतना निष्ठुर है कि तेरे विरह में कोई कितना रोए, कितना तड़फे, कितना बिलखे, कितना तुमसे प्रेम प्यार करे, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तू तो पत्थर है बिल्कुल। कन्हैया बोले, हुआ क्या? अरे बोले, उन ब्रजवासियों की दशा देख बिचारों, रो रहे हैं, तुम्हारे विरह में कुछ खा पी नहीं रहे हैं, रात दिन तुम्हारे दर्शन की लालसा लिए हुए दिन भर निहारते हैं कि गोपाल आ जाएगा, कन्हैया आ जाएगा, हमारा लाला आ जाएगा, और तुम इतने निष्ठुर। कन्हैया बोले, उद्धव तुम विद्वान तो बहुत थे, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत था, तुम बृहस्पति के शिष्य हो, कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो ज्ञान जिसमें भक्ति ना हो वो अहंकारी होता है और केवल व्यक्ति को अंधा बनाता है। खाली विद्वान है, खाली जिसने विद्याएं पढ़ी हैं, केवल ज्ञानार्जन किया है, शास्त्रों का स्वाध्याय किया है और भगवान से प्रेम नहीं हुआ है, भक्ति नहीं है, तो वो व्यक्ति केवल अहंकारी बनेगा। इसलिए भगवान ने ज्ञानी उद्धव को वृंदावन नहीं भेजा, ज्ञानाभिमानी उद्धव को भेजा। ज्ञान होना गलत बात नहीं है, पर ज्ञान का अभिमान होना बहुत गलत बात है। ज्ञानी हो अच्छी बात है, ज्ञान तो होना ही चाहिए, ज्ञान ना हो तो गलत और सही का निर्णय कैसे करेगा आदमी, गलत सही का निर्णय कैसे करेगा। ज्ञान तो होना चाहिए पर ज्ञान का अभिमान हो, ये गलत बात है। फिर भगवान ने वहीं पर सबका दर्शन करवाया और फिर भागवत के दसम स्कंद के उत्तरार्ध में जो सबसे पहले कंस की पत्नियां थी ना, अस्थि प्राप्ति, अस्थि माने संस्कृत में होता है, अस्थि माने है और प्राप्ति माने और प्राप्त करना है, उसमें संतोष ना करके और प्राप्त करने की इच्छा में रात दिन भागना ही कंस है। ये दो पत्नियां उसकी, पर वो पत्नियां बेटी किसकी है, जरासंध की है, उसमें संतोष ना करके और प्राप्त करने के लिए भागना, ये जरासंध की तो बेटी है, जोड़ासंध तो करते रहे आदमी पूरे दिन, इसलिए जरासंध की बेटियां हैं अस्थि और प्राप्ति। दोनों पिता के पास में गई और जरासंध ने फिर उससे पूर्व कालियवन आता है, कालियवन का भगवान मुचकुंद के द्वारा उद्धार कर देते हैं, जो आपने मायरे में सुनी थी कथा, वही तो मुचकुंद महाराज नरसिंह भगवान नरसिंह जी बनकर के गुजरात में आए थे।
जिनके मायरे की कथा आप लोगों ने सुनी। तो इधर जरासंध ने 17 बार 23-23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई करी। भगवान ने हर बार हरा दिया, छोड़ दिया। इस बार ब्राह्मणों को पाठ में बिठाया और पंडित जी से कह दिया कि देखो हमारी विजय हुई तो ठीक है, नहीं तो तुमको सूली पर चढ़ा देंगे। अब पंडित जी बेचारे बहुत दुखी हुए, मंत्र तो भूल गए। भगवान से बोले तुम्हें बचाना प्रभु, तुम्हें रक्षा करना। ब्राह्मणों के मंत्र की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी ने बलराम जी से कहा, भैया भागो। बलराम जी बोले ऐसे कैसे भाग जाए, हम क्षत्रिय हैं। लोग कहेंगे देखो रणछोड़ बन गए, रणछोड़ चले गए, कायर हैं, डरपोक हैं। भगवान बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग हमको चीर चोर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, रणछोड़ और कह देंगे, क्या फर्क पड़ता है। और मंत्रों की रक्षा के लिए भगवान ने वहां से भागना ठीक समझा और भगवान का एक नाम पड़ गया, रण छोड़ राय। लेकिन अद्भुत बात है, राय माने राजा, रण छोड़ने के बाद में भी राजा है। राजा रण छोड़ मारो, राजा रण छोड़, द्वारिका रो नाथ मारो, राजा रण छोड़। अब मथुरा को घेर करके चारों तरफ पहाड़ के आग लगा दी। भगवान सीधे समुद्रम शरणम गता, द्वारिका की स्थापना करते हैं समुद्र में जाकर के। और जितने लोग मथुरा में थे ठाकुर जी ने रातों रात सबको द्वारिका में, क्योंकि भगवान का इशारा हुआ तो विश्वकर्मा जी ने बहुत सुंदर दिव्य पुरी द्वारिका का निर्माण कर दिया। और भगवान विश्वकर्मा ने तो सुदामापुरी का निर्माण किया था, तो विश्वकर्मा प्रभु ने इतनी भव्य और दिव्य द्वारिकापुरी का निर्माण किया। अटालिकाएं, भव्य भवन। अब लोग उठे तो द्वार नहीं मिला, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां, क्योंकि सोए तो मथुरा में थे तो नाम ही हो गया द्वारिका। और भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जिनका सूर्य वंश के एक राजा थे रेवंत, जिनके सबसे बड़े पुत्र ककुदमी, जिनकी बेटी का नाम था रेवती, उसी रेवती के साथ विवाह हो गया। और अब फटाफट कन्हैया का भी करवा देते हैं और विवाह करवा के फिर शेष चर्चा हमको जल्दी जल्दी सुननी है। कथा तो बहुत विस्तृत है, तो हम लोग भगवान का विवाह सुने। तो विवाह में जावा कुंडिनपुर को थोड़ा सफर ही दूर है, इस वास्ते चाह पानी पीर एकदम तैयार हो जाओ, फिर आप कुंडिनपुर चला भगवान को विवाह देखा आनंद ले। चंद्र भगवान की जय हो।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। अब गांव के लिए शुभ सूचना है, या सरदार शहरों कक्कड़ बरादर से बहुत बड़ा कपड़े का व्यापारी आपने बीच में पधारे हैं, हमें ताली बजा के स्वागत करो। और सारणा का सामरा सेठ तो मतलब जिया ब्यास पीठ पर आशी ने किशोर चंद्र जी को भी स्वागत कर सी, और बाबा सोमनाथ जी महाराज को भी स्वागत कर सी। जोरदार तालियां के साथ स्वागत। और केला को प्रसाद ले, मीठो भोज ले, जाता है क्या खेड़ो और लेर गया। ओ गांव ने प्रसाद दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ जाओ अशोक भाई जी। बोलो शंकर भगवान की जय। आओ व्यास जी महाराज को माला पहना करके स्वागत करो, माला और सोल दोनों उड़ा करके। कुछ लिफा बोली फूकू भी दे दिया सके। Bye.
बोलो भगवत सल भगवान की द्वारिकाधीश की हो। हमारे यजमान परिवार के बड़े आत्मीय और परम स्नेही सेठ जी कक्कड़ ब्रदर्स जो सरदार शहर से पधारे, आप श्री का व्यासपीठ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन और भगवत कथा कथा में बड़ी निष्ठात्मक प्रीति रखते हैं और रसपान करने के लिए आज पधारे हैं। आइए शेष चर्चा हम पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के पावन सन्निधि में बैठ करके ठाकुर जी की करें। आप लोगों ने मध्याह्न के विश्राम से पूर्व भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका और मथुरा लीला का वर्णन सुना। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा सिद्ध भीष्म को नाम है विदर्भाधिपति महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या काच वरानना। एक भीष्मक नाम के कुंडिनपुर के अधिपति है और उनके पांच बेटा रुक्मी रुक्मी रुक्मकेशी रुक्मरत और रुक्मबाहु, एक बेटी रुक्मणि जो सरोवर में मिली थी उन्हें। यद्यपि प्रसंग तो बहुत विस्तृत है लेकिन समयाभाव है। रुक्मणि जी मन वचन कर्म से गोविंद को चाहती हैं। उनके पिता ने भी मन में विचार किया कि द्वारिकाधीश के साथ मेरी बिटिया का विवाह करूंगा, पर कभी कभी क्या होता है घर में पिताजी से ज्यादा बेटे की चलनी शुरू हो जाती है। रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो, जो दमघोष राजा का बेटा है और वाग्दान भी कर दिया कि हम विवाह करेंगे। अब इधर ये सब कुछ तय हो गया। रुक्मणी विलाप करती हैं, मरने का निश्चय करती है, तो उनकी भौजाई रुक्मी की पत्नी ने कहा कि एक काम करो, तुम मन वचन कर्म से चाहती हो तो द्वारिकाधीश को पत्र लिख दो। द्वारिकाधीश को पत्र लिखा, पंडित जी को पत्र दिया और वह लेकर के प्रभु के पास पधारे। बोले पढ़ो, भगवान बोले हम नहीं आप ही पढ़ो। अरे बोले आपका पत्र हम क्यों पढ़े, भगवान बोले कोई दिक्कत नहीं पूरी दुनिया पढ़ती है। तो पंडित जी ने पढ़ करके सुनाया, बोले श्रुत्वा श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदर सिंवतां ते निर्विश्य करण विवरै हर तुंग तापम। हे प्रभु, श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदर श्रृणवतांते, मैंने आपके गुण गणों को सुना है और त्रिभुवन सुंदर, आप जैसा त्रिभुवन में दूसरा कोई सुंदर नहीं है। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम तव्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम मे। प्रभु मैं मन वचन कर्म से आपका वरण कर चुकी हूँ, अब यदि शिशुपाल मेरे साथ विवाह करके ले जाएगा तो ऐसा समझो सिंह को मिलने वाला भाग सियार ले जाएगा। और हे प्रभु, आप ये सोचते होंगे कि मैं कौन हूँ, कैसे मिलूंगी आपसे, तो अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधु त्वामुदवहे कथमिति प्रवदाम्युपायम्। पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेव यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात्। हमारे कुल की ऐसी परंपरा है कि बेटी विवाह से पूर्व कात्यायनी पूजन करने जाती है, गौरी पूजन करने जाती है। मेरे और आपके विवाह की साक्षी माँ गिरिजा होगी और वहीं आप पधारना।
अब तो महाराज वो पत्र पढ़ा, पंडित जी बोले हम चले, भगवान बोले चले नहीं, चलते हैं। रथ सजा लिया, द्वार तक आए, बलराम जी बोले कन्हैया कहाँ जा रहा है, अब कैसे कह दे कि शादी करने जा रहे हैं, बड़े हैं। तो बलराम जी महाराज ने बार बार पूछा तो पंडित जी बोले ये तो कुंडिनपुर जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा अरे वहां तो दुनिया के राजकुमार आए हैं, तो फिर जाना चाहिए, स्वयंवर है आज, पर मेरा लाला कोई कम थोड़ी, हजारों में एक है। सेनापति को आदेश दिया कि रथ तैयार करो, सजाओ, और सब लोग पहुंचे। अब रुक्मणी जी मां गिरिजा का पूजन करने के लिए जा रही है, बस हजार सैनिक सुरक्षा में। मैं तो है पूजू अंबिका भर मोतियन को थाल, मथुरा पाऊं सासरोवर पाऊं गोपाल। और भागवत जी में बहुत सुंदर श्लोक है, नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षणम सुसंतान युताम शिवाम भूयात पतिरमे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। हे माँ अंबिका, मुझे पति रूप में भगवान कृष्ण ही मिले। और इसी बात को मानसकार कहते हैं, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सदानंद माता, जगत जननी का स्तुति गाई गाई। मानो वही वरदान मिला, क्या बोले मनु जाहि राजउ मिली ही सो बरु सहज सुंदर सांवरो। इधर मां गिरिजा की पूजा कर रही है रुक्मणी जी, और द्वारिकाधीश प्रभु प्रवेश करते हैं नगर में। समाचार मिला महाराज भीष्मक प्रभु का स्वागत करने आए हैं। अब पूरी जो द्वारिका कुंडिनपुर के नगर के लोग हैं वो कह रहे यही दूल्हा है, यही दूल्हा है। अब लोग बोले रहे ये नहीं, ये तो द्वारिकाधीश। अब द्वारिकाधीश भी बड़ा नाटक कर रहे हैं, भीष्मक से बोले कि हम तो जा रहे थे यहाँ से, तो सोचा अंबिका माता के दर्शन करते चले। तो फिर महाराज राजा भीष्मक ने स्वागत किया, भगवान से बोले घर चलो, भगवान बोले घर नहीं चलेंगे, हमें आगे जाना है। क्यों बोले हमें बहुत यात्रा पर है हम लोग। उन्होंने भी मन में सोचा कि कहीं हमारा बेटा अपमान ना कर दे। रुक्मी तो ऐसे ही कृष्ण से द्वेष रखता है, तो वहीं से भगवान को विदा कर दिया। अब भगवान के आने का द्वारिका में समाचार जब शिशुपाल और लगा, तो शिशुपाल के साथ में जरासंध आया था, वो घबरा गया, बोले मैंने 17-17 बार मथुरा घेर करके चारों तरफ से आग लगा दी थी, और इसका मतलब कृष्ण अभी भी जीवित है, कृष्ण अभी भी जीवित है। शिशुपाल ने कहा कि भैया हम लोग शिशुपाल दंत भक्त पौंड्रक जरासंध इतने लोगों के रहते और कृष्ण यहाँ, उस छलिया को घेर लो। अब इधर ये सब लोग योजना बना रहे हैं, और उधर ठाकुर जी अपनी माया की मोहिनी 10,000 सैनिकों पर ऐसी डालते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता कि ये कर क्या रहे हैं। माधव की मंद मंद मोहिनी मोरुत ऐसे मुस्कुरा रही है कि सब चर्चा कर रहे हैं, कह रहे देखो इनका पीतांबर कितना सुंदर है, एक कहता देखो इनकी मुरली कितनी सुंदर है, एक कहता देखो वैजंती माला कितनी अद्भुत पहन रखी है, एक कहता कि देखो बिजली को भी मात दे रहा है पीतांबर। अब सब लोग भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं कितना सुंदर कितना सुंदर। पर सुखदेव जी बोले परीक्षित ये कोई नहीं कह रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, ये भी तो देखो।
और भगवान पहुंच गए मंदिर में। रुक्मणी जी ने देखा और भगवान को देख करके माँ गिरिजा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए गोविंद को माला पहनाई है। और मेरे गोविंद ने रुक्मणी जी को और भरी सभा में ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा लेकर के चले रथ में बिठाया। और थोड़ी देर बाद में हल्ला मचा, बेटी रुक्मणी कहाँ है, रुक्मणी कहाँ है, रुक्मणी कहाँ है। मंदिर के भीतर झांक कर देखा तो बोले अंदर है ही नहीं, अरे अंदर है ही नहीं। एक ने कहा तुम तो बिल्कुल पास में ड्यूटी कर रहे थे मंदिर के, तुम्हें पता नहीं है। उसने कहा मैंने ले जाते तो देखा था, ले जाते देखा तो फिर तुमने विरोध क्यों नहीं किया, रोका क्यों नहीं, क्या कर रहे थे तुम। तो वो बोले मैं देखा भी, हाँ ले जाऊं तो भी देखा, पर मैं सोचो जोड़ी बहुत सुंदर है, ले जाने दो बाद में बात करें, बहुत सुंदर जोड़ी है बाद में ही बात करेंगे। अब तो हल्ला मच गया, ले गया ले गया ले गया ले गया। रुक्मी को भी क्रोध आया, अरे उस ग्वारिये ने मेरी बहन का हरण किया है। दौड़े और श्री ठाकुर जी को चुनौती देते हुए कहा अरे कपटी कृष्ण, अरे छलिया, इस तरह से संग्राम में रणभूमि में भाग रहा है, हमसे युद्ध कर। भगवान जो ही युद्ध करने के लिए उतरते हैं तब तक चारों तरफ से रुक्मी, जरासंध और ये शिशुपाल भगवान को घेरते हैं। तो पीछे से एक आवाज आती है, बोले द्वारिकाधीश की जय हो। मुड़कर देखा तो बलराम जी हलमुसल लिए खड़े हैं। कन्हैया ने देखा भाई जी प्रणाम करूं, बलराम जी बोले के आशीर्वाद तन्ने और बीननी दोनों ने घरे मिल सी, तू लेर चाल मैं आने सामू। अब ले हलमुसल खड़े हो गए, एक को आगे नहीं बढ़ने दिया। रुक्मी ने दौड़ करके फिर कृष्ण के बराबर रथ लगाया और कहा आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ कृष्ण, तुमने बहुत बड़ा हमारे वंश के साथ अन्याय किया है, हमारी बहन का अपहरण करके। तलवार निकाली रुक्मी ने और भगवान ने भी रथ को रोका, रुक्मी को पकड़ा, उससे तलवार छीन करके जो ही बार करने लगे दौड़ करके आई। रुक्मणी ने कहा प्रभु मेरा भाई है और जिंदगी में कलंक लग जाएगा, जब भी कोई मेरे विवाह को याद करेगा तो मेरी विधवा भाभी को देख करके रोना आएगा कि इसके विवाह में ये सब हुआ था, आप ऐसा ना करिए प्रभु। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम मारेंगे नहीं, अब हमारा भी तो रिश्तेदार है, हम मारेंगे नहीं। तो भगवान केस पकड़ करके मुंडन करने लगे, बलराम जी फिर दौड़ करके आए, अरे भैया भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे समधी है। तो बलराम जी ने छुड़ाया, कन्हैया को डराया, बड़े भाई है तो रिश्तेदारों भी रख है और इन कन्हैया ने भी धमकावे, कई निभावना पड़े रोल। तो बलराम जी महाराज विदा करते हैं। रुक्मी ने तो संकल्प कर लिया था कि मैं या तो लेकर के आऊंगा नहीं नगर में नहीं आऊंगा, तो बाद में अलग ही नगर बसाया, ये चर्चा भी है। और राजा भीष्मक ने ये भी कहा बेटा तेरे दुराग्रह की वजह से मैं मेरी पुत्री का विवाह धूमधाम से नहीं कर सका। पुत्र रुक्मणी लक्ष्मी है और कृष्ण नारायण है, और लक्ष्मी कभी भी नारायण के अलावा किसी दूसरे का वर्ण करती करती नहीं है, इसलिए ऐसा दुराग्रह छोड़ना चाहिए। फिर बहुत धूमधाम से विवाह हुआ, विवाह भी कई प्रकार के हैं, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, पैसाच विवाह। तो भगवान का अब ब्रह्म विवाह विधि पूर्वक हो रहा है। आइए हम लोग थोड़ा सा सम्मिलित होकर के दर्शन कर लें, फिर जल्दी जल्दी एकाध तो है नहीं, 16108 है, तो दर्शन करते करते आगे बढ़ेंगे और सुदामा चरित्र सुनकर के बाकी कथाओं का केवल दर्शन करके समापन या पूर्णाहुति की तरफ हम लोग चलेंगे। अरे श्याम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हरि बोल।
सब मन में भारी, उठी सब मन में भारी, सभी मिल नाचे गावे, सभी मिल नाचे गावे, मैया सब सगुन मनाए, मैया सब सगुन मनाए, ओ ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, सिरारे बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन, ओ ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्री राधे रावे रुक्मणी यूं मुस्कावे, मोहे काना मिल जावे, मोहे काना मिल जावे, मेरी थी यही तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, ओ सब भक्तों को मिलकर ताली आज बजानी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, बरसाए सुर नर फूल बरसाए, अगर घर मंगल गाए, अगर घर मंगल गाए, सुर नर फूल बरसाए, सुर नर फूल बरसाए, कृष्ण छवि को देख कर, वो कृष्ण छवि को देख कर, मुनि जन मन हर्षाए, मुनि जन मन हर्षाए, बराती है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम
आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, रुक्मणी जी के साथ भगवान का प्रथम विवाह है, सुसंपन्न होता है। फिर इसी रुक्मणी माता की जो प्रथम संतान है, कामस्तु वासुदेवांशु दग्ध प्राग रुद्रमन्युना, वो श्री प्रद्युम्न जी महाराज है। जब भगवान शंकर ने क्रोध करके कामदेव को भस्म कर दिया था, तब रति को वरदान दिया था, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा हो इन मोरा। आज वही वासु श्री कामदेव श्री शंकर जी के श्राप के कारण ही श्री ठाकुर जी के प्रथम पुत्र बने, और इनका सूतिका ग्रह से हरण हो गया था, कथा सब लोग जानते हैं। फिर संबरासुर के यहाँ एक मछली ने संबरासुर ने फेंक दिया था जलाशय में, फिर मछली ने निगल लिया, फिर संबरासुर के यहीं बेच दिया, और वहां पर ये रति रूप बना करके काम करती थी, तो उनका भाव बदल गया। नारद जी ने आकर के पूरी कथा बता दी फिर, और इसी प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का कल्याण कर दिया। अब जितने सूतिका ग्रह से हरण हुआ था, और आज जब वापस लौटे तो विवाह करके आए हैं, तो छोटे बालक का हरण हुआ और आज बेटा बहू दोनों आए, तो रुक्मणी माता बहुत प्रसन्न हुई। सुखदेव जी कहते परीक्षित, ये हरण हुआ प्रद्युम्न जी का और वापस विवाह करके संबरासुर को मार करके लौटे, इस दौरान पीछे से श्री ठाकुर जी के 16,107 और हो गए। तो बोले महाराज कैसे कैसे हुआ? बोले मणि वाली कथा लोग जानते हैं, सत्राजीत के पास मणि थी सेमंत, और उस सेमंतक मणि जिसमें 8 बार सोना निकलता था, तो लोगों ने कहा कि ये खजाने में दे दो, खजाने में दे दो द्वारिकाधीश के पास। तो बाद में उन्होंने मना कर दिया। एक दिन उसका छोटा भाई मणि पहन करके जंगल में गया, तो वहां प्रसेन नाम था उसका, उसको एक सिंह ने मार दिया। सिंह को ऋक्षराज ने मार दिया, वो लेकर के चले गए। लोगों ने कहा हो न हो, खजाने के लिए मणि मांगी गई थी, दी नहीं तो कृष्ण ने ही प्रसेन को मार दिया या मरवा दिया, मणि ये लोग ले गए। तो कन्हैया ने गर्गाचार्य से पूछा, गुरुजी बड़ा कलंक लग गया, अब क्या करें? तो बोले तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया हो, ये कथा वहां भी आती है भाद्रपद के चतुर्थी के चंदा। तो फिर वहां से तदऊ चौथ के चंद की नाई चंद्रकांड में, तो वहां ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते गए, प्रसेन को मरा देखा, सिंह के चिन्ह पड़े हैं उन पर, आगे चले तो वो भी मरा पड़ा है, फिर आगे ऋक्ष के चिन्ह पड़े हैं उस पर गए, तो गुफा में जा रहे हैं, गुफा में देखा तो एक कन्या उस मणि से खेल रही है। अब वहां जाकर के भगवान ने पूछा, तब तक भीतर से जामवंत जी आ गए, घोर संग्राम हुआ, 27 दिन तक युद्ध चला, पहले लात घुसे, फिर पहाड़ पर्वत वृक्ष सब, और लड़ते लड़ते 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को उठा करके पटका छाती पर चढ़ गए और एक मुष्टिक प्रहार किया, जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, और एक मिनट में याद आ गया, अरे अरे आप तो मेरे राम जी हो, क्योंकि रामावतार में युद्ध मांगा था, जामवंत जी संतुष्ट नहीं हुए थे, तो ठाकुर जी ने आज पूर्ति कर दी। तो जामवंत जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु ये मणि तो मैं ले आया हूँ, लेकिन एक बात है, अब मैं आपको मणि दूं कैसे, क्योंकि मैंने ये मणि मेरी बेटी को दे दी, और हमारे यहाँ नियम है कोई चीज बेटी को दे दे तो फिर वापस लेना अपराध है, पाप है, तो मैं बेटी से लूं कैसे? एक काम तो कर सकता हूँ, बेटी से मणि तो नहीं ले सकता, पर बेटी को आपको दे सकता हूँ, जिसमें मणि भी आपके पास चली जाएगी साथ में। तो फिर वहां फिर वन प्रदेश में ही भगवान के साथ जामवती का विवाह। अब वो मणि ला करके भगवान ने सत्राजीत को दी, बोले ले भैया क्यों कलंक लगा रहे हो?
तो सत्राजीत ने मणि ली तो दुनिया की हवा बदल गई। बोले रे सत्राजीत द्वारिकाधीश हमारे प्रभु पर ऐसा आरोप लगा रहा है। और महाराज लोगों ने जब ऐसी बातें करी तो सत्य ये सत्राजीत दुखी हुआ, भगवान के पास गया। बोले प्रभु कैसे भी मैं अब कलंक से मुक्त कैसे हूँ। तो उन्होंने भी मणि और अपनी बेटी सत्यभामा ठाकुर जी को सौंप दी। भगवान बोले भाई मणि तो ले थे को तो कर सक। बोले मणि क्यों? बोले मणि ले तो लोग पाचे आए बात कही के कृष्ण की तो चाला के ब्याह भू करके मणि ले ही आयो लास्ट लास्ट दुनिया तो इन्हें पूर्ति इन्हें पूरे। बोले मणि कौन ले? तो मणि रखी तो सत्राजीत के अठे ही, लेकिन भगवान को जी तो सोनो निकले वो खजाने में जमा करा दे। तो फिर अर्जुन के साथ भगवान एक बार इंद्रप्रस्थ गए तो वहां यमुना के किनारे एक देवी तप कर रही थी। अर्जुन ने भगवान से कहा प्रभु आपका बृहस्पति बहुत तेज है और मैं पूछ रहे हूँ अभ्या भी आप तप भी थारे साथ ब्याह वास्ते करें क्योंकि आज सूर्य की पुत्री है और यमराज की बहन है, नाम है कालिंदी। तो फिर भी कालिंदी को यानी यमुना जी को ब्याह भी ठाकुर जी के साथ गए किता हो गया गिनो नहीं। अब गिनो ही हूँ और बताऊँ ही हूँ भूल चूँ कोई एक आध वत बताऊँ ही हूँ 16,000 है पूरा इवास थे गिना। चौथा हुआ कालिंदी के साथ। पांचवा विवाह भगवान का विंद अरविंद नाम के राजा जिनकी बहन है मित्र वृंदा उनके साथ। छठवां विवाह भगवान का हुआ कौशल नरेश के एक राजा थे नग्न जी जिनकी बिटिया नाग्न जी थी के साथ हुआ। सात बेलों को एक साथ नाथ करके फिर एक विवाह भगवान का हुआ सत्या के साथ जिसको भद्रा भी बोलते हैं। और आठवां हुआ भगवान का लक्ष्मणा के साथ जहां भगवान ने लक्ष्य भेदन करके विवाह किया। अब ये तो हो गई आठ। सौ प्रकार के उपनिषद ही ठाकुर जी की सतपत्नियां हैं और वेद के उपासना कांड के 16,000 मंत्र ही भगवान की पत्नियां बनी हैं। इस प्रकार से 16,108 अध्यात्म की भाषा में। और यदि इसी को लीला में देखा जाए तो 16,100 क्या है? प्राग ज्योतिषपुर के एक राजा है जिनका नाम है भौमासुर। और भौमासुर की कैद में राजकुमारियां बंद थी। उसने एक संख्या रखी थी कि इतनी हो जाएगी तो विवाह करूंगा। तो वो रात दिन भगवान की प्रार्थना करती है प्रभु इस दुष्ट के बंधन से आप ही मुक्त कर सकते हो। तो भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के गए और भौमासुर का उद्धार कर दिया। भौमासुर भूमि पुत्र था और सत्यभामा भूमि की ही अवतार है। भगवान की दो पत्नियां तो हमेशा रहती है श्री देवी और भू देवी। श्री देवी लक्ष्मी है, भू देवी धरती है। तो सत्यभामा धरती का अवतार है। तो उसने कहा कि मारो। भौमासुर को वरदान था कि मां कहेगी तब मरूंगा। तो फिर भौमासुर का कल्याण किया। अब वो 16,100 राजकुमारियां कैद से बाहर आई ठाकुर जी के चरणों में गिरकर रोने लगी। बोले प्रभु हमारे लिए अब कोई रास्ता नहीं है। घर जाएंगी तो लोक लाज का इतना भय है कि माता पिता हमको रखेंगे भी नहीं। और यदि किसी राजकुमार से विवाह करेंगी तो वो राजकुमार हम पर यही आरोप लगाएगा कि ये भौमासुर की कैद में रह करके आई है इसलिए ये भी बिल्कुल पवित्र नहीं है। हमारे पर कितने लांछन होंगे, आरोप होंगे। हे प्रभु दुनिया के सामने हम गिड़गिड़ाती रहेंगी, हाथ जोड़ती रहेंगी, पर हमारी जो पवित्रता है, हमारी जो शुद्धता है, शुचिता है, उसके बारे में लोग तो नहीं जानेंगे, पर आप तो घटघटवासी है। आप तो सब जानते हो हम कितनी सही है कितनी गलत है। भगवान तो भाव विवल हो गए। बोले देवियों मैं जानता हूँ तुम गंगा जल के समान पवित्र हो और यदि तुम्हारे मन में कोई और भाव नहीं है और जिनको मैं पति रूप में मंजूर हूँ, स्वीकृत हूँ, तो वो अपना हाथ मुझे प्रदान कर। वो तो एकदम प्रसन्न हो गई। बोले जब भगवान मिल रहे हैं तो सारी उम्र इन्हीं के चरणों में बैठकर भजन करते करते बिता देंगी, दुनियादारी के पतियों के पीछे क्या भागना, इसलिए 16,000 ने अपने हाथ भगवान को सौंप दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन भले ही लोग कितने भी आरोप प्रत्यारोप करें पर वास्तव में भगवान ने कितना सही काम किया। यदि भगवान उनसे विवाह ना करते तो बेचारी कहां जाती? न तो माता पिता अपनाते, न कोई दुनिया का राजकुमार वरण करता, या तो वो कोई गलत रास्ते पर निकलती या फिर कहीं आत्महत्या करती। इसलिए इतने बड़े प्रदूषण से बचा लिया। तो हो गए 16,108।
अब द्वारिका की चर्चा तो बहुत विस्तृत है, प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्रों का वर्णन भी है, 80 पुत्रों के तो भागवत में नाम लिखे हैं। एक ही कस्तु कृष्णस्य पुत्रान दस दशा वाला, अब 16108 × 10 इतना बड़ा परिवार है। हाँ, एक एक कन्या और 10-10 पुत्र। और उसके बाद में रुक्मी का वध जो बलराम जी के द्वारा हुआ द्यूत क्रीड़ा में, वो भी वर्णन आता है। अब इतना बड़ा परिवार, लेकिन सब द्वारिकाधीश की आज्ञा पालन करते, सब द्वारिकाधीश के नेतृत्व में रहते। ठाकुर जी ने फिर एक पौंडक नाम के काशी नरेश जो नकली वासुदेव बनकर रहता था, वो भी आपने सुनी होगी कथा, तो चार हाथ ऐसे नकली लगा करके रहता, तो भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। फिर जो सांब है जाम्बवती का बेटा, उसका विवाह भी दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुआ, वहां भी बलराम जी ने इनके साथ घोर युद्ध किया, उसका वर्णन भी है, जो हल में खींच करके हस्तिनापुर को टेढ़ा किया था। आज भी लोग कहते हैं कि हस्तिनापुर है जो यमुना जी की तरफ ऐसे झुका हुआ। बलराम जी ने दो बार रास्ता मोड़ दिया, वृंदावन में भी बलराम जी एक बार थके हुए थे तो बोले, सखा बोले आओ स्नान करते हैं, तो बलराम जी बोले हम नहीं जाएंगे, तो बोले यमुना ही आएगी, तो यमुना को आवाज दी, यमुना ने सुनी नहीं, और यमुना यार किसी की सुन करके रास्ता थोड़ी चेंज कर दे, तो सुनी नहीं, तो ठाकुर जी बलराम जी को आया क्रोध, हल मुसल लेकर के खड़े हुए और सीधा यमुना जी से खींचा। आज भी वृंदावन में यमुना एक जगह टेढ़ी बहती है, टेढ़ी कर दी जगह, यहाँ आकर स्नान करवा। तो बलराम जी महाराज अतुलित बल के धनी थे। पारिवारिक वर्णन, रुक्मिणी माता जैसी मालकिन सबको दे ऐसा मंत्री सेवक सचिव सभासद सब कहते थे। क्यों? क्योंकि माता रुक्मिणी सबसे बहुत दुलार करती थी, बहुत स्नेह करती थी। अब वो कन्हैया भी इतना बड़ा नाम, अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र सर्वस स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्व वंदे श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, इतना बड़ा नाम हो गया भगवान का। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की कथा है, जरासंध के वध की कथा है, सब चर्चाएं विस्तृत है। और अब एक बड़ी सुंदर सी चर्चा, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित भैया क्या बताएं, भगवान की कथा तो आनंद है, क्योंकि कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमे विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। एक कृष्ण के सखा है परम भागवत, नाम है श्री सुदामा जी महाराज, ब्राह्मण है पर ऐसे वैसे नहीं, ब्रह्म ही जिनका धन है ऐसे ब्राह्मण, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम है, विरक्त है संतोषी है प्रसन्न मन वाले है और जितेंद्रिय है। सुदामा जी की कथा कई बार लोग अलग प्रकार से तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं, सुदामा जी भिकमंगे थे, सुदामा जी दरिद्र थे, सुदामा जी द्वार द्वार डोलते, ये सब झूठी बातें हैं। सुदामा जी गरीब जरूर थे पर सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, दरिद्रता में और गरीबी में भी फर्क है। गरीब कौन है? सुदामा जी के घर की स्थिति देखो, पड़ोस का पानी बेरोक टोक आता है, दीवार नहीं है। सुदामा जी के घर में सूर्य भगवान की रोशनी आती है, छत नहीं है। सुदामा जी के घर में बर्तन तक साबुत नहीं है। सुदामा जी की धोती 20 जगह से फटी और सिली हुई है। सुदामा जी महाराज एक समय मिल जाए तो दूसरे की कोई व्यवस्था, ये स्थिति है, बिल्कुल सही बात है। फिर भी सुदामा जी दरिद्र नहीं है, क्योंकि दरिद्र वो है, दरिद्रा यस्य असंतुष्टा, करोड़पति होने के बाद में भी यदि मन में संतोष नहीं है तो वो सबसे बड़ा दरिद्र है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल धूल। सुदामा जी परम संतोषी है। अच्छा, कभी कभार भिक्षा भी लेते तो 5 घरों से, और वो भी सज्जनों बोलते नहीं, 3 बार जाकर के वहां नारायण 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 कहते हैं।
मिल गया तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। कई बार तो लोग उला ना देते महाराज, वो कोई भिक्षा लेने को तरीको है, अगले हाथ में कोई काम ही बैठे तो बार तीन बार नारायण 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 बोले और बैठ जाए, तो कम कम थोड़ा टाइम भी तो लागे, इंतजार करा करो। सुदामा जी बोले भाई इसका अपना एक अलग नियम है, मैं पहली बार नारायण इसलिए बोलता हूँ कि मैं किसी गृहस्थी से नहीं नारायण से ले रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी बार मैं नारायण इसलिए बोलता हूँ ताकि उसके मन में ये आए कि मेरे द्वार पर कोई याचक नहीं आया है, बल्कि मुझे भी भगवान का नाम देने वाला कोई आया है। हम कितना दे सकते हैं, बड़ भागी तो वो है जो हमें नाम सुना रहा है। दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई दान करें, सबसे बड़ा दानदाता वो है जो भगवान के नाम का दुनिया को दान करता हो। भगवान के नाम से बड़ा कोई दान दूसरा दुनिया में नहीं है, इसलिए सामने वाले को भी ये लगे। और तीसरी बार नारायण नाम लेने का मतलब ये है, श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं कि कम से कम जो दाता है उस दाता के मन में ये अभिमान ना आए कि हम देंगे तो उसको मिलेगा, उस दाता के मन में ये भाव आए कि भगवान जो नाम कानों में पड़ा है उसने ऐसी कृपा करी है, हमें इस योग्य बनाया है, इसलिए विलंब ना करके इस नाम लेने वाले को भिक्षा देनी चाहिए। तो सुदामा जी महाराज एक दिन स्थिति ऐसी बनी कि बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं। पत्नी ने कहा आपको भजन करते हुए देखती हूँ, विक्षेप करूं तो कष्ट होता है पर क्या करूं, बच्चों को भूखे मरते नहीं देख सकती, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। सुदामा जी परम संतोषी है, पर सुदामा जी की पत्नी मां बच्चों को भूखा मरते कैसे देखे। एक दिन कहा ननु ब्रह्मन भगवत है सखा साक्षात श्रीपते, मैंने तो ऐसा सुना है कि हे ब्राह्मण देवता आपके सखा साक्षात श्रीपति है, आपके मित्र द्वारिकाधीश है। प्रभु शास्त्र तो एक बात कहते हैं, धीरज धर परीक्षा विपत्ति में होती है। आपके मित्र द्वारिकाधीश से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको थोड़ा बहुत ले आते तो अपना काम भी चल जाता है। धन्य है सुदामा जी, बोले देवी मांगने के लिए भेज रही हो, जिंदगी में नहीं जाऊंगा, इतना स्वाभिमान है सुदामा, मांगने नहीं जाऊंगा। अब सुदामा जी की पत्नी ने सोचा करें क्या, तो उसने कहा चलो एक काम करो, मांगने मत जाओ, दर्शन करने चले जाओ, कुछ कहना मत, मांगना मत, खाली दर्शन कर लिया। सुदामा जी महाराज बहुत राजी हो गया, देवी ये बहुत अच्छी बात कही तुमने, अयम ही परम लाभ उत्तम श्लोक दर्शन है, तेरे जैसी पत्नी तो ठाकुर जी सबको दे जो भगवान से मिलन की बात कह रही है।
प्रभु से मिलन की कह रही है जाऊं। देखो सुदामा जी की पत्नी ने कितनी बढ़िया बात बना ली, बोले मैं आपकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ। और शास्त्र कहते हैं कि पति यदि धर्म कर्म करे तो 50% पत्नी के खाते में अपने आप जमा हो जाता है। इसलिए मैं घर भी बैठी रहूंगी तो मुझे आधा पुण्य तो मिल ही जाएगा। पति यदि धर्म कर्म करे तो 50% पत्नी के खाते में जमा हो जाता है, और पति यदि पाप कर्म करे तो 100% खुद को ही भोगना पड़ता है। लोग कहते हैं महाराज ये तो कोई बात थोड़ी है, लेकिन देखो इनका नाम ही धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी का मतलब यह है कि केवल धर्म की ही अधिकारिणी है, पाप की नहीं है। पाप करो तो तुम खुद जानो, ये तो धर्म की ही है। धर्म पत्नी हमारे यहाँ कितने, अच्छा एक बात और है, त्याग भी माताओं का है। आप कथा कीर्तन धर्म कर्म देख लो, आप लोग 30% होंगे, माताएं 70% होंगे। 70% माताएं कथाओं में आती है, 30% पुरुष लोग आते हैं। और व्रत की बात सुने तो बहुत सारा सज्जन एडा देखा है मैं जी का, अनचौदस को व्रत और शिवरात्रि का दो बड़ा व्रत आवे भई करे कौन करे। पर माताओं महीने के 30 दिन में 20 व्रत कर लिए, आज 11 है, आज अनंत चतुर्दशी व्रत, और आज बृहस्पतिवार है, और आज प्रदोष है, आज ये व्रत है। कितने व्रत करती है बृहस्पतिवार का, और एक व्रत तो वो गजब ही है, चौथाड़ो है नी, भी दिन तो आंगो मुंह में देखने योग्य हुए, चार बार छात चढ़े, चार बार नीचे उतरे, चार बार हे भगवान 11 बज गए, चंद्रमा उगनो ही कोई नहीं है, 11 बजे लाग गई चंद्रमा। अच्छा ये इतना कष्ट उठाती है क्यों? क्योंकि भारतीय नारी कभी भी अपने लिए नहीं मांगती, वो इतना सब करने के बाद भी यही कहती है हे प्रभु परिवार सुखी रेवे और ए निरोग रेवे। और बच्चे जो हैं वो प्रसन्न रहे। भारतीय नारी अपने परिवार के लिए ही मांगती है, अपने लिए नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ प्रत्येक स्त्री के नाम के आगे देवी लिखा जाता है। अब आजकल तो माताओं भी फैशन परस्त होगी तो कहीं करा, बाकी पहले जितो भी माताओं अपने बेटी है, वृद्धा माताओं अनध्यान है। प्रत्येक नारी के नाम के आगे शारदा देवी, रुक्मणी देवी, गंगा देवी, सरस्वती देवी, राधा देवी, मतलब देवी नाम लिखी। तो आपने एक देव लिखी जाए बता दियो। इसलिए बहुत धर्म में आगे है। अच्छा चलो एक बात और है, वृद्धा माताओं बेटी आन ध्यान है, पूरो पूरो जीवन इतो धर्म में जियो है, पूरो जीवन जी लियो, और जिसकी मर्यादा ही नियम हो नाम को ले, और अक्षर से वो निभा दियो, नाम लियो, ए जियो जियो काम चला दियो, बाकी नाम को लियो, सुनोगे पर नाम नहीं। अब आजकल की बात कौन करूं, आजकल डायरेक्ट बतलाव है, लेकिन नाम की भी हमारे यहाँ मर्यादा है, क्योंकि खुद का नाम बार बार नहीं लेते, अपने गुरुदेव का नाम भी अपने मुख से बार बार नहीं लेना चाहिए, बड़े महापुरुषों का भी नहीं लेना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ परम श्रद्धेय गीता के मर्मज्ञ मनीषी स्वामी श्री रामसुदास जी महाराज, तो हमारे यहाँ प्राय ऐसी भाषा स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज, क्योंकि बड़े महापुरुषों का नाम भी बार बार लेते नहीं। और स्त्री के लिए नियम है वो पति का नाम लेती नहीं। तो ये सब शास्त्र की एक विधि है, एक मर्यादा है, पर माताएं पालन भी करती हैं। एक जगह तो थोड़ी स्थिति विचित्र होगी, एक बार कहीं एक देवी के पतिदेव को नाम हो ठन ठन पाल, ठन ठन पाल, तो बाप परेशान होगी, वो कोई नाम है, जठे भी जाऊं लोग यहाँ आई बात का ठन ठन पाल जी बहु आई है, ठन ठन पाल जी बहु आई, और चेंज करो नहीं तो नहीं रहो। अब मन में सोचो कि जिकिन नाम हुई दिक्कत है, बारे रिकाई नाल कर दिया, बोले देवी नाम भगवान को है, आपने कहीं करना है पहचान जी इतनी बहुत है, और देखो नाम तो वही है, अब थन रहे हो तो तुम्हारी मर्जी है। तो वह रूठ चली गई, घर निकल गई थोड़ी दूर गांव बारे, तो एक कोई लकड़ी चुग गई जंगल में, लकड़ी भी नहीं, तो बिन देख बोली भाई थारो नाम का ही है, बोले नाम तो लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी यार लकड़ी चुग गए, बोले हाँ। थोड़ी दूर और चली तो कोई आदमी बैलगाड़ी में भूसो भरड़ और आओ,
बोल थारो नाम कई है, बोल नाम धनपाल, बोल नाम धनपाल डो भूसो, बोले हाँ। थोड़ी दूर और आगे चली तो कोई सज्जन को शरीर शांत हो गयो, लोग अंतिम यात्रा में जावा पूछो ओ कहीं है, बोले तो बेचारा चला गया, बोले कौन कौन, हाँ किया चला गया, बोले तो अमर सिंह, अमर सिंह मर गया, बोले हाँ हाँ। अब मन में सोचो कि लकड़ी बिन लक्ष्मी भूसा डोवे धनपाल, अमर सिंह सो मर गए भले मेरे ठंडन पाल, यही ठीक है आपने दौड़ गया आगे। तो नाम का क्या है? अच्छा एक एक कई बार नाम ने ले समझ, एक जगह तो और ज्यादा विचित्र स्थिति हुई, एक बहन की शादी हुई तो बाग ज्यों ही अगले घर है, तो बात थोड़ी पढ़ी लिखी ज्यादा काम धंधो घर को कुछ जानती को नहीं, तो एक दिन सासू मां बिलावणो बड़ा दिया, तो बिलावणो करियो, तो बिलावणो तो कर लियो बन जिया तिया पर वो जको कहीं बोले बिना चूंटिया उसारनो, कहीं बोले बेड़ो करे ना चूंटिया नहीं जना समरणो तन बोस बन आओ, तो आऊं तो कौन बिचारी बो बा गई मां, बोले हाँ, बोले माखन निकाल लो। अब इतो के और सासू जी एकदम क्रोध में, शर्म को नहीं आवे बोलनो आवे कौन नहीं, माँ बाप किसी का कौन नहीं, सूर कोई नहीं, इतनी बात सुनाई। अच्छा भाई सासू जी इतनी गर्म क्यों हुई, क्योंकि बंग पति देव को नाम हो माखन लाल, अरे ससुर जी को नाम ले, बा बोले माँ भूलूगी मैं अब ध्यान रखू। अब अगली बार कोई 20-30-10 दिन बाद और बिलावनो बुला दियो, तो ई बार बिचारी डरती डरती गई, क्यों लारली बार डांट पड़ी, तो डरती डरती जार बोले माँ माँ, बोले हाँ, बोले बे आ गया, बे आ गया, बस भाई भूल गई, सोचो कोई गेट पर कोई आदमी आए हुए, अरे तो कौन आ गया बता कौन आ गया, बोले माँ मटकी में ससुरो जी आ गया। अब नाम तो मना हो ना, तो नाम ने लेर कई झंझट दिए, बोल भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी की पत्नी बोली मने भी दुआ दो धर्म मिले, मैं धर्म पत्नी हो जाऊं भगवान का, और तुरंत चार मुट्ठी चावल चार ग्राम उधार दे दिया। देखो सुदामा जी की पत्नी भी कितनी विदुषी है, उसने सोचा कि मेरे पतिदेव जाएंगे भगवान से मिलेंगे, प्रभु पूछेंगे कैसे हो, तो ये तो यही कहेंगे बस कन्हैया मौज है, और मौज किसी के जी को तो मेरे दी जाने, मैं भगवान ने किया बताऊं मेरे घर की स्थिति। तो भगवान सुदामा जी के सागे चावल क्यों भेजा, ताकि देख लो ठाकुर जी समझ जावे। देखो चार घरों यार चार मुट्ठी चावल भेजने को मतलब वही है, चार घरों को धान बाकी थे किसो ही मिला दियो मिल जसी, लेकिन चावल अलग अलग दिखसी, सफेद बढ़िया लंबा अलग है, कटा फटा अलग है, पीला पटड़ा अलग है, तो बे अलग अलग दिखसी, तो भगवान देखते ही समझ जावे कि सुदामा जी के घर में चार मुट्ठी चावल ही साबित है कोनी। और दूसरा तरीको एक और भी है, चावल किसी तिथि ना निषेध है, एकादशी 11, तो मानो सुदामा जी की पत्नी बतानी चावे, बोले हे प्रभु ओ धान जी की तिथि ने नहीं खायो जावे, बात तिथि मार ले घरे तीसू तारीख रहे, मैं तो 11 करा रोज का। और सुदामा जी चले, थोड़ी दूर चले, थक गए बेचारे, हाथ की तकिया बना करके बोले कन्हैया मांगने तो कुछ आ नहीं रहा था, तेरी मौज पड़े तो बुला, अपन तो यहीं सो रहे हैं, सो गए। अब भगवान को लगा कि ये आ तो रहे हैं पर बीच में सो गए, पहुंचेंगे कैसे, पार्षदों को हुक्म दिया, उठाया द्वारिका के समीप छोड़ दिया। नेत्र खुले तो बड़े बड़े भव्य भवन देखे, अटालिकाएं देखी, महल के प्रासाद शिखर देखे। सुदामा जी बोले भैया ये नगरी, बोले ये नगरी द्वारिका है, द्वारिका, अच्छा इसका मतलब मेरे कन्हैया की द्वारिका है, अब बताओ द्वारिका में कन्हैया नाम से कौन जाने, अभी मैंने बताया था ना वो बड़ा नाम है वहां, तो यदुकुल कमल दिवाकर प्रद्युम्नादिनाथ द्वारिकेश है, प्रति गो विश्व गो ब्राह्मण विश्व प्रतिपालक श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश कृष्ण चंद्र जी सरकार, बड़ा नाम। सुदामा जी पूछे कन्हैया कहां है, कन्हैया कहां है, ऐसे करते करते द्वारपाल द्वार तक पहुंच गए। द्वारपालों से जाकर के कहा आप कन्हैया से कह दो, द्वारपालों ने कहा ठीक है अभी हम पूछ कर आते हैं।
भगवान के पास जाकर के पूरी बताई कथा। बोले प्रभु ऐसा है शीश पगान जगा तन पे प्रभु आने को आई बसे कहीं ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी पाय उपाहन की नहीं सामा द्वार खड़ो जो दुर्बल एक रहो चकित वसुधा अभिरामा और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदाम। ये स्थिति है और जो ही भगवान ने सुना तो प्रभु तुरंत उठ करके सिंहासन से छोड़ करके अब मुकुट कहीं गिरा है मुरली कहीं गिरी है दौड़ते जा रहे हैं। एक डोडी पार करी दूसरी डोडी पार करी तीसरी सप्त डोडी को पार करके वे भवन के मुख्य दरवाजे पर आ रहे हैं। महामंत्री सचिव सब रानियां पीछे अरे इनको क्या हो गया अरे इनको क्या हो गया सब पीछे दौड़ रहे हैं और भगवान सुदामा 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 करते आ रहे हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुनते ही तोड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा हुआ रुक्मणी को हुआ रुक्मणी को चंबा मेहमान कैसा अजीबा गया है मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीबा गया है दर पे सुदामा भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगाया। द्वारिका के सब लोग खड़े हैं नेत्र भराए कहा वारे द्वारिकाधीश इस फटे हाल का इतना स्वागत। भगवान के नेत्र भराए सुदामा जी को लेकर के गए सिंहासन पर बिठाया। भगवान की रानियां समस्त सामने आकर के बैठी और श्री सुदामा जी को प्रणाम कर रही हैं और ठाकुर जी ने देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलशु पग। एक कवि हुए बहुत अच्छे नरोत्तम उन्होंने सुदामा चरित लिखा है तो ऐसे छंद में बहुत अच्छा। तो भगवान के नेत्र भराए और चरण धराए
सब लोग बोले अरे इस अवधूत ने कौन सा तप किया है, कौन सा व्रत किया है, कौन सा ऐसा धर्म किया है जिसकी वजह से आज जगदाधार जगदीश्वर भगवान खुद उसके चरण धो रहे हैं। भगवान जब चरण धोए तो सुदामा जी बोले अरे लाला लाला मेरे चरण मत धो, अरे कन्हैया मेरे चरण मत धो। सुदामा जी बोले नहीं नहीं है भगवान, बोले आज आपके चरणामृत से मेरी द्वारिका धन्य हो जाए। भगवान ने अपनी पत्नियों से इशारा किया तो एक एक करके आने लगी। रुक्मणी प्रणाम करती हूँ, बोले अखंड सौभाग्यवती भव। जामवती प्रणाम करती हूँ, बोले अखंड सौभाग्यवती भव। सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, बोले अखंड सौभाग्यवती भव। कालिंदी प्रणाम करती हूँ, बोले अखंड सौभाग्यवती भव। अब 100-150 निकले बीतते हैं तो लंबो लंबो आशीर्वाद दिए और बाद में आगे सब निकलने लगे तो बोले भव 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 भव। 500 निकल गई। अब बताओ बड़े बड़े पहलवान ने कोई यहाँ कह दे 500 बार हाथ यहाँ कर तो हार जे को नहीं हार जे। सुदामा जी महाराज को हाथ दर्द करने लग गए तो बोले कन्हैया, बोले हाँ, बोले ना, बोले ठीक बता दे, बोले नहीं कान में कसी। सुदामा जी कान पास में करियो कृष्ण। सुदामा जी पूछे बोले तेरी है ये सब तुम्हारी है? बोले अभी तो 500 निकली है, 16108 है। बोले नहीं नहीं भैया मैं तो ये वास्ते पूछूं, मेरे हाथ हार गयो और जे 16000 ने आशीर्वाद दे उसने एक सप्ताह का था तो आशीर्वाद मिल जाए। एक काम कर तू तो सगला पति है। बोले हाँ, तो बोले तू ही प्रणाम कर ले तन मिली जनाना अपने आप ही मिल जाए। धन्य है सुखदेव जी कहते हैं मेरे भारत के ऋषि को देखो जो आज भगवान को भी आशीर्वाद दे रहा है। श्री वशिष्ठ जी राम जी को देते हैं और श्री सुदामा जी ठाकुर जी को दे रहे हैं। अब आशीर्वाद दिया भगवान ने सुदामा जी महाराज ने तो धीरे से गोविंद ने पूछ लिया अपि ब्रह्मन गुरु कुलात भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भार्योडा सदृशी नवा। देखो दो मित्र यदि कितना ही बुढ़ापे में भी मिले नहीं तो बचपन की याद ताजा जरूर हो जावे। देखो गुरुजी यहाँ डांटता अपाया पढ़ाई करता गुरुजी कहीं कहता है गुरुजी कहता सुदामा तो तेज है पर कृष्ण बहुत उद्यमी है बहुत नटखट है याद है तो बचपन की याद ताजा हो जावे। गाँव में खेलते थे बस्ती का किनारा था खेलने की मस्ती थी ये दिल आवारा था अरे कहाँ आ गए इस जवानी के दलदल में वो नादान बचपन कितना प्यारा था। जवानी तो दलदल है साहब फंसते जा रहे हैं और ज्यादा फंसते जा रहे हैं लेकिन वो बचपन कितना प्यारा था। तो गुरुकुल की याद ताजा हुई एक दूसरे ने चर्चा करी। कन्हैया बोले लाला सुदामा जी आपने मेरा घर देख लिया परिवार देख लिया अब आप गुरुकुल से घर चले गए मैं द्वारिका आ गया तो आपको अपने समान कोई भारिया मिली पत्नी मिली ब्याह शादी कुछ हुआ। सुदामा जी बोले ये बात भीड़ में पूछेगी बाद में पूछ ले। बोले नहीं बताना पड़ सी ब्याह शादी की हुई हो तो सुदामा जी महाराज बोले देख कन्हैया ए तेरी जीती बड़ी बड़ी राजाओं की बेटे आए तो आ सामने मैं पोल पट्टी खोल दूंगा के जी के श्रीमान जी थे हरिश्चंद्र जी समझो नहीं है लोग अंगर मटकियां फोड़ता। ठाकुर जी बोले आने बताने की जरूरत को नहीं गणेश जी तो मटकियां मां करी आईडी है थे तो आप बताओ थारो की ब्याह शादी होयोगे। सुदामा जी बोले पीछे पड़ जी की बात छोड़े तो कोई नहीं। बोले हाँ हुयो भाया इच्छा तो कोनी पर घराने ब्याह कर दियो और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। ठाकुर जी बोले अच्छा भाई बताओ और इतो प्रेम बताओ और ब्याह कर लियो और मन भुलायो ही कोनी। सुदामा जी बोले अरे फालतू बात ना कर मैं तो कोई टूटो फूटो सो एक करियो तय जड़ी लगा दी कद बुलायो मन। बोले देखो भाई मारे तो ब्याह हो गया जी का 5 बजे तो मैं तो बानी पूरे फिरा 7 बजे बीननी घरे इया हो रे कणा बुलाओ थार तो टेम हो लोगी। सुदामा जी बोले हां हां अच्छा चलो कोई बात नहीं मैं क्यों पूछो। भगवान बोले थे सुदामा जी बोले थे पूछो तो मैं बता दियो। बोले नहीं नहीं कोई तो कारण है पर वो कारण वही है कि थे जी अकेला उतार आ जाता तो कोई बड़ी बात को नहीं पर जद हो जाई है तो घर में कीन की थार सागे जरूर भेजियो है। अब सुदामा जी मन में सोचे हे भगवान किंगी हिम्मत कई तो वैभव द्वारिकाधीश को वैभव देख रे चावला पोटली आगे कर दिया।
सुदामा जी बेचारा संकोच में, तो ठाकुर जी आपको स्वभाव बतावे कि देखो मैं ये नहीं देखता कि पदार्थ क्या है, वस्तु क्या है, मैं तो ये देखता हूँ कि भेंट करने वाले में भाव कितना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमि भक्त्या प्रयच्छति, पत्र पुष्प फल जल जो भी चढ़ाते हैं मैं तो उसमें प्रेम देखता हूँ। और भगवान हाथ डाल करके बाद चावल छुड़ा लिया, दो मुट्ठी चावल खाया, तीसरी मुट्ठी चावल भगवान खावन लग गया। रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लियो, ज्यादा कच्चा ना खाओ नुकसान करेगा, इशारे में बहुत कुछ बोल दियो। एक संत को भाव, बोले रुक्मिणी जी भगवान को हाथ पकड़ बोले ज्यादा राजी ना हो, ए पंडित जी घना काम का कोनी है भाई, पंडित जी आज का छाती में लात मार दी भृगुरी से, घना पंडित जी पर राजी ना हुआ। भगवान बोले मैं तो पंडित जी पर ही हुस्यू, बोले क्यों, बोले भाई पंडित जी आज का जाऊं पहला पत्रिका ले रहा नहीं तो मणती पटरानी। तब तक रुक्मिणी जी सारो एक और करियो, बोले प्रभु थे दो मुट्ठी चावल खाया, इन बदले में दो लोक दे दिया, दो लोग की संपदा दे दी, जय हो तीसरी मुट्ठी चावल और खा लियो नी आ सुदामा जी ड्रेस ठंड पानी आज ली। तो बहुत सुंदर सुंदर। अब भगवान ने वो पुरानी याद जो चने खाए वो भी थोड़ी सी ले जाकर फिर घुमा दी। वो दिन कर ले चिंत, अरे आपा दोनों मिंत, गुरु के जाता रे गुरु के जाता, अरे गुरुवाणी कहती बन से लकड़ियां लाता, गुरुवाणी कहती बन से लकड़ियां। उस दिन हो गया प्यार मिलन को यार, एक कबू नहीं आता रे कबू नहीं जाता, आज आकर दर्श दिया रे भली भैसाता, आज आकर दर्श दिया रे भली भैसाता, अरे जू सुनी हरी की बाणी तब समझी रुक्मिणी रानी, ए थारो प्रेम पुराणो जानी लगी देखने सुदामा आनी। फिर क्या स्वागत हुआ अद्भुत देखो, अब लाय के घर में जल रगड़ के नौ आया है, लाय के घर में जल कांसी को लेके हरी आते बाल माया है, परोस दिया थाल प्रभु बेट के जी माया है, पगाते को बेटे हरी माता बन आया है, फैंसी बिछाय सेज भीतर को सोताया है। जाऊंगा हमारे घरे बीजा करो या दुनात या। अब करने लाग्या बीजा हरी की आंखा भरेगी डबे डबे, करने लाग्या बीजा हरी की आंखा भरेगी डबे, साची तो बता तेरे मित्र जी।
प्रकार से मिले, बहुत प्रेम की चर्चा हुई। भगवान से सुदामा जी बोले हमें विदा करो, हमें अब घर जाना होगा। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि आप पधारिए, जैसे सुदामा जी आए सज्जनों वैसे ही विदा। क्या दिया क्या लिया ये सुदामा जी को पता नहीं। भगवान बोले जाओ। सुदामा जी जब निकले तो मन में विचार करते जा रहे हैं कि चलो हमें तो धन नहीं चाहिए था, हमें तो कोई मतलब नहीं था, पर आगे जाऊंगा तो ब्राह्मणी तो पूछेगी कि महाराज गए थे द्वारिकाधीश के पास, तो जाऊंगा अपने द्वार घर वाली नारे हे लेवे समझाई। यूं करता करता ग्राम पहुंच गया आई, यूं करता करता ग्राम पहुंच गया आई। सुदामा जी विचार करते करते गांव पहुंचे तो अब तो जहां पहले झोपड़ी कुटिया थी वहां पर तो भव्य भवन खड़ा है। सुदामा जी सोचने लगे कि अरे, फिर सोचा शायद किसी को जगह अच्छी लगी होगी तो बड़े सेठ होंगे बना ली, अपनी झोपड़ी कहीं और बना दी होगी, अपने तो भजन करना है कहीं कर लेंगे। तो द्वारपाल खड़े थे, उनसे पूछा अरे भैया ये घर किसका है? तो बोले सुदामा जी का। सुदामा जी मन में सोचो मेरे तो इतने बड़े भवन को कोई मतलब ही कोई, हो सके कोई सुदामा नाम को सेठ है बना लियो। बोले कोई बात नहीं थारे सेठ जी मकान बना लियो, अच्छी बात है, मैं तो कटी और भजन कर ले वहां गांव किनारे रह ले वहां अपन फलका फैक्ट्री बंद होगी ब्राह्मणी कटे। तो बोले ब्राह्मणी मतलब? हाँ हाँ, तो आपके सेठ जी को पूछो, मेरी भी यहाँ झोपड़ी थी, बालक थे, बच्चे थे। तो बोले नहीं, वो तो सेठ जी नहीं है, वो तो ब्राह्मण ही है। सुदामा जी बोले ब्राह्मण तो मैं ही। सोचो कई बार दो नाम का ब्राह्मण भी हुए तो एक धनाढ्य हुए, एक गरीब हुए, अपा अपना टाइम पास कर ले वहां पे कुटिया पुटिया उन्होंने बना लिया होगा। तो बोले अच्छा अच्छा, आपके जो ब्राह्मण है उनसे पूछिए कि मेरी भी यहाँ झोपड़ी थी। तो बोले भाई तो द्वारिका गेट है। सुदामा जी तो द्वारिका तो मैं ही गेट हूँ, मतलब टेढ़ी टांग लगी कर नहीं दी गई। अब सुदामा जी सोचो कि चलो मैं ही वो ब्राह्मण हूँ और मेरो ही वो भवन है, तो और सब चीजें तो चलो बदल गई, रीति बड़ी आप नगरी अलग बढ़ गई, पर बस सुशीला बिचारी दुबली पतली थकोड़ी बा ब्राह्मणी तो भाई है बात तो पहचान ही लस्या। तो बोले चलो कोई बात नहीं, थे थारे महारानी जी ने क्यों के बारा आया। तो बे बोला कि ठीक है रुको, सुदामा जी द्वार पर खड़ा और बे द्वारपाल अंदर जा रखे हो कि महारानी जी आपको बाहर कोई बुला रहे हैं। तो सुदामा जी सोचो बिचारी ये दुबली पतली थकड़ी सी सुशीला आसी, लेकिन धन आवजन धन ध्यान ने रंग ढंग चेंज हो जे, पर अलग ही रहन सहन हो जे। आ दुबली पतली तो है पर पैरान तो फिर अब्बा तो सोले श्रृंगार करुड़ी और पूरा स्वर्ण आभूषण पेड़ा। सुशीला तो द्वार पर आई और जो ही गेट पर आई सुदामा जी देखे ओ सुशीला ए सबे। बोली द्वारिकाधीश की कृपा है। बोली तेरे घर बैठे ही कृपा मेरी धोती बा है। अच्छा तेरे तो घर बैठे इतनी कृपा हुए, हूं गयो जी की धोती पहरे आयो क्यों? सुशीला बोली देखो प्रभु ठाकुर जी जी की चीज मांगे बा मिले, थे दर्शन करने गया थाने दर्शन मिल गया, पर मैं धन मांगियो मन धन धन मिल गयो। धन्य धन्य दीना नाथ, धन्य तेरी माया है अपार पार कोई नहीं पाया है। सुदामा की कथा नित प्रेम से जो गावेगा, निपुत्र के पुत्र होय वंश को चलावेगा, निर्धन के धन होय बहुत सुख पावेगा, गोपी राम कहे भव सागर तीरे जावेगा, नित गावो गुण गोपाल वास बेकुंठा पाओ जी, थारो मित्र दीन दयाल हरि ने जाचने। अद्भुत कथा है सुदामा जी महाराज की। और सुदामा जी ने तो कहते मत त्याग ही कर दिया, बोले हे प्रभु मैं लक्ष्मी का दास नहीं बनना चाहता, मैं तो आपका दास हूं, ये क्यों दी मुझे, मैं नहीं रखना चाहता, निकल गए घर छोड़कर। तो भगवान प्रकट हुए, आवाज लगाई सुदामा जी आइए। बोले प्रभु क्या करूंगा इसको लेकर के, माला भूल जाऊंगा? भगवान बोले जो मैंने दिया है उसको अपना पुरुषार्थ मत समझो, अपना धन मत समझो, तो बोले मेरा प्रसाद समझ लो, ऐसा समझ लो भगवान का है मेरा नहीं। तो फिर सुदामा जी महाराज वहां
रहते हैं। सुदामा जी का चरित्र बहुत ही अद्भुत है सज्जनों। बोल भक्त वत्सल भगवान की। फिर सेमंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर बहुत बड़ा यज्ञ होता है, वसुदेव जी महाराज करते हैं और 100 वर्षों के बाद भगवान का अपने वृंदावन वासियों से मिलन होता है पुनः। उसके बाद की जो चर्चा है वो देव की माता के 6 पुत्रों को जो पहले कंस ने मार दिए थे वो भगवान लौटा करके लाते हैं। सुभद्रा के हरण की कथा भी सुनाते हैं, कैसे कैसे सुभद्रा का विवाह हुआ वो। और मिथिलेश जनक और श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण दोनों ने भगवान को आमंत्रित किया तो एक ही समय में दोनों के घर भगवान पहुंचे। वो कथा भी सुनाई, वेद स्तुति सुनाई। भृगु ऋषि ने त्रिदेवों की प्रार्थना करी, छाती पे लात मार दी, वो कथा सुनाई। और अर्जुन को अभिमान हो गया था ब्राह्मण पुत्रों को लौटा कर नहीं ला सके, तो बाद में ठाकुर जी ने वचन की रक्षा करते हुए लोकालोक पर्वत पार करके ब्राह्मण पुत्रों को ला करके अर्जुन के यश को बढ़ाया, ये कथा भी सुनाई। तो इस प्रकार से भागवत की कथाएं तो अनंत हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। एकादश स्कंद में यदुवंश के श्राप की कथा है। क्यों? क्योंकि एक बार कृष्ण अपने पुत्रों के साथ एक जगह गए तो वहां भगवान कृष्ण ने राजा नृग को जो गिरगिट बनकर के कुएं में पड़ा था उसको निकाला। तो उसने कहा कि महाराज मैंने असंख्य गायें दान में दी लेकिन एक ही गाय को भूल से 2 बार दान में देने की वजह से मेरी ये स्थिति गिरगिट बनना पड़ा। तो भगवान ने अपने पुत्रों को सिखाया, बोले देखो भूल से भी अपराध हो जाए तो देखो गिरगिट बनना पड़ा। और तुम लोगों को मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आदमी के बिगड़ने के कई कारण होते हैं, इनमें से 4 मुख्य है। कौन कौन से? बोले रूप यौवन संपत्ति प्रभुतम अविवेकता एकैकमपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। सुंदर रूप का होना भी बिगड़ने का चांस है, ज्यादा सुंदरता और युवावस्था होना भी बिगड़ने का चांस है। संपत्ति धन ज्यादा आ जाना भी हाँ, और कोई पद मिल जाना भी, ये 4 चीजें हैं। रूप यौवन संपत्ति और पद, और इन चारों में से एक भी किसी के पास हो और यदि विवेक ना हो तो वो आदमी 100% अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता। एक ही कमपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। अब एक चीज भी रूप में से, युवावस्था में से, धन में से, पद में से आ जाए तो आदमी अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता। और जहां ये चारों आ जाए कौन बचाए फिर उसको? भगवान ने कहा तुम सब सुंदर हो, अपने पुत्रों से कहा तुम सब सुंदर हो, तुम सब युवा हो और तुम सब द्वारकाधीश के बेटा हो, धन की कोई कमी नहीं है, पद तुम्हारे पास, तुम राजकुमार हो, इसलिए बेटा जीवन में ध्यान रखना कभी अनर्थ ना हो जाओ। अब बेटों को समझाया तो सही लेकिन बिना नजदीक आवाज बुद्धि काम करे कौन? अच्छा दिन वैनी जन तो कोई समझावत बात बड़े लाग जे और दिन मानी खराब हो जन कोई सही कह भाई बुरी लागे। जब आते हैं अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, नहीं तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। तो बात पिताजी काम धंधो तो की है कौन? नहीं खाली गीत गाउता रहे, वो करो वो करो वो करो, और संत यहाँ कोई काम धंधो तो है कौन? एक दिन भाई सांबजी को जांबवती को बेटो बिंग पेट पर पोटलो बांध, विश्वामित्र असित कण्वे दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यप वामदेव अत्रि जाबाली वशिष्ठ ऋषि बैठा। तो बट जान कहो महाराज हमारे परिवार में कोई बहू है और गर्भवती है, अब पूछनो चाहे कि होन वाली संतान पुत्र है कि पुत्री। बे बोले अरे चले जाओ जो भी है ठीक है। बोल नहीं नहीं बड़ा बड़ा हमारे पिताजी गुण गावे कि संत त्रिकालदर्शी वह संतान सब पतो चले, तो बताओ हैं बताओ। अब बार बार जब कहा तो संतों को आ गया क्रोध और उन्होंने कहा अरे मूर्खों, कृष्ण के बेटा के पेट पर पोटला बांध कर हमारी मजाक उड़ाने आए हो? सांब के पेट पर पोटला बांध करके जाओ, हम श्राप देते हैं कुछ नहीं होगा, पुत्र ने पुत्री मूसल होगा और तुम्हारा यदुवंश उसी से समाप्त हो जाएगा, उसी से नष्ट हो जाएगा। सब घबराए अरे अब क्या करें, तो जल्दी जल्दी वो मूसल सोचा कि अब महात्मा लोग करते रहते हैं, एक काम करो इसको घिस करके चूर्ण बना करके समुद्र में, बचेगा नहीं तो फिर मरेंगे कैसे। लेकिन कौन भवितव्यता को कौन टाल सकता है, होनहार से कौन बचा सकता है? वही चूर्ण जो समुद्र में डाला था लहर के साथ किनारे पर आकर के एरका नाम की घास उग गई
और पीछे का जो टुकड़ा बचा था वो समुद्र में फेंका, जिसको मछली ने निगला और एक बहेलिया ने मछली को चीरा तो वो निकल गया और उसी को अपने बाण के आगे फर बना लिया। क्योंकि भगवान जिसको दुख देते हैं उसकी मति पहले हर लेते हैं। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मति पहले हर ले। अब जब से यदुवंशियों को श्राप लगा तब से वसुदेव जी तो दुखी रहते, बहुत उदास रहते, रोते रहते। तो भगवान ने सोचा कि चलो हमारे पिताजी को हम कैसे भी धैर्य बंधावें। तो उन्होंने नारद जी के मन में ऐसी प्रेरणा करी कि आप जाइए। नारद जी महाराज आए और नारद जी से वसुदेव जी ने पूछा और वसुदेव जी महाराज को नारद जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया जो राजा जनक को नवयोगेश्वर ने दिया था। जो नवयोगेश्वर है भरत जी के भाई, तो उन्होंने जो उपदेश दिया था राजा जनक को वही उपदेश सुनाया, जिनके बड़े सुंदर नाम है कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र चमस द्रुमिल और करभाजन। तो उन्होंने भागवत धर्म के बारे में बताया, संबंध के बारे में, समर्पण के बारे में, विश्वास के बारे में और भगवान की नाम महिमा कैसी गाई जाए ये बताया और माया के रूप को बताया और माया से पार जाने की विधि भी बताई। ये सारा उपदेश दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सब लोग लड़ने लगे। भगवान ने कहा कि देखो भाई अब हम प्रभास क्षेत्र में जाएंगे और प्रभास क्षेत्र में जाकर के हम लोग वहां प्रभास क्षेत्र में दान पुण्य इत्यादि करेंगे। तो प्रभास क्षेत्र में भगवान चले गए हैं। भगवान अंतिम तैयारी करते हैं तो वहां उद्धव जी महाराज आते हैं। उद्धव जी को भगवान समझाते हैं कि आगे कलयुग आ रहा है, एक से मिलना है तो दूसरी को छोड़ना पड़ेगा। भगवान से मिलना है, जगदीश्वर से मिलना है तो जगत को छोड़ना, और उसी का नाम है त्याग। त्याग संन्यास लक्षणम, संन्यास का एक लक्षण ही त्याग है। हे उद्धव सुनो। तो इस प्रकार से भगवान वो संपूर्ण कथा सुनाते हैं। बोले जैसे मेरे पूर्वज महाराज यदु ने दत्तात्रेय जी से सुनी थी वो सुनो। और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु अपने जीवन में बनाए थे, उसी का नाम संन्यास धर्म है। तो 24 गुरुओं में मैं खाली आपको नाम ही बता सकता हूँ, विस्तार पूर्वक तो नहीं बता सकता। आप खाली नाम सुमिरन करके ही श्रवण करें। पहला गुरु पृथ्वी, दूसरा गुरु वायु, तीसरा आकाश, चौथा जल और पांचवा गुरु बनाया दत्तात्रेय जी महाराज ने अग्नि को, छठा चंद्रमा को, सातवां सूर्य को, आठवां कबूतर को, नौवां अजगर को, दसवां गुरु बनाया सागर को, ग्यारहवां पतंगा को, बारहवां भंवरे को, तेरहवां गुरु बनाया मधुमक्खी को, चौदहवां गुरु बनाया हिरण को, पंद्रहवां गुरु बनाया मछली को, सोलहवां गुरु एक पिंगला नाम की गणिका को, सत्रहवां कुर्जा पक्षी को, आठवां बालक को, उन्नीसवां एक कन्या को, बीसवां सर्प को, इक्कीसवां भृंगी कीट को, बाईसवां हाथी को और तेईसवां एक बाण बनाने वाले लोहार को और चौबीसवां अपने शरीर को। शरीर से क्या शिक्षा है? बोले जैसा ये कथा में बैठते समय सुबह था वैसा अब ये प्रतिपल मौत के समीप जा रहा है, मृत्यु के समीप जा रहा है। ये हमारे महाराज श्री कहते थे, बोले जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन गाड़ी है, चली जा रही है, अब मंजिल करीब आ रही है। अच्छा, इस गाड़ी का नाम क्या है? नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन, अहंकार सीट है और डिब्बा ही है मन मन। ये श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, अब उतरने की मंजिल करीब आ रही है। इस गाड़ी का नाम है नर्तन एक्सप्रेस। नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन, अहंकार सीट और डिब्बा मन मन। बोले ट्रेन तो बढ़िया है, स्पीड श्वास। अरे महाराज गाड़ी तो दो पटरी पे चलती है। बोली ये भी चलती है। कहाँ? दिन रात की पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को अपनी जगह छोड़ती है। रस्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। दिन रात की पटरी पे दौड़ रही है ये गाड़ी। अच्छा भैया वहां तो स्टेशन होते हैं, इनमें को इसमें कौन से है? और इसमें भी है। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, बचपन पहला स्टेशन है, और मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। जवानी जंक्शन है, जंक्शन में गाड़ियां इधर भी जाती है और उधर भी जाती है। अब जवानी में गाड़ी किस साइड चली जाए? बोलो जय श्री कृष्ण। मिला बाद में था ये जवानी का जंक्शन,
अगला स्टेशन बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, अब उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अच्छा जब स्टेशन आता है तो जिस सवारी को उतरना होता है वो बोले ले भाई अब मारो तो स्टेशन आ गया माने उतरनो सागला सा गई तो मो उजे जू ही आ गाड़ी है और ये गाड़ी में कई सवारी आंसर डेर कई उतरे चलते 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 मान लो दादो जी बूढ़ा हो गया बांगो स्टेशन आ गयो उतर गया और थोड़े दिन बाद में ब्याह हो गयो घर में एक नयो सदस्य गाड़ी में चढ़ गयो और थोड़े दिन चलते 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 दादी जी को स्टेशन आ गयो जितने घर में पोतो हो गयो एक नयो सदस्य फिर तो जिकन यात्रा करनी में वो यात्रा में गाड़ी में चढ़ जावे और जिको स्टेशन आ जावे वो उतर जावे जीवन की गाड़ी है। तो लास्ट में छूटेगा अपने परायों का मेला राजेश्वरानंद उतरना अकेला अकेला उतरना पड़ेगा ये सोचकर तबीयत बहुत यार घबरा रही है अब उतरने की मंजिल करीब आ रही है। भगवान ने 24वां जो दत्तात्रेय जी का गुरु शरीर है उससे शिक्षा दी। अंत में सब लोग लड़ झगड़ कर समाप्त हो गए एक दूसरे को निमित्त बना करके बलराम जी भी श्री सागर में और श्री ठाकुर जी के चरण में वो बहेलिया बाण मारता है। भगवान उसको भी भेज देते हैं कि चलो तुम्हारा हमारा हिसाब हो गया अब जाओ और देखते देखते ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपने तेज को लेकर के दिव्य ज्योति के रूप में परिणित होकर के भागवत जी में समाहित हो जाते हैं। इसलिए भागवत साक्षात श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति है साक्षात भागवत श्री कृष्ण ही है। भगवान वहां से परमधाम गमन करते हैं और सज्जनों श्री कृष्ण इस धरा धाम पर 125 वर्ष रहे। फिर 12वां स्कंद शुरू होता है कलयुग के राजाओं का वर्णन है क्योंकि भगवान के परमधाम गमन करने के बाद कलयुग शुरू हो गया था। सुखदेव जी बोले परीक्षित तुमने सैकड़ों प्रश्न 6-7 दिन में मुझसे पूछा अब एक मैं पूछूं। बोले तुम मरोगे क्या तुम मरोगे तो उन्होंने कहा महाराज आपने इतना ज्ञान दिया है तो मेरा ठाकुर जी की कृपा से मुझे ये आभास हो गया है कि मरना जन्मना सब शरीर का काम है मैं तो आत्मा हूँ न जन्म होता है न बस राजन यही तुम्हें समझाना था तुम स्वस्थ हो गए और श्री सुखदेव जी महाराज आशीर्वाद देकर के प्रस्थान करते हैं। बोले सुखदेव मुनि महाराज की फिर तक्षक सर्प आता है और पहले तो उनकी कश्यप मुनि से भेंट होती है लेकिन बाद में वो आकर के डसता है क्या डसेगा परीक्षित जी को क्योंकि परीक्षित जी तो पहले ही भगवान के धाम जा चुके हैं। बोधराज ऋषि परीक्षित जी महाराज की ऐसे श्रोता नहीं और ऐसे कोई वक्ता नहीं सुखदेव जी और परीक्षित जी जैसे महाराज उस परंपरा को निभाते हुए आज भी हम परिपाटी में कथा तो करते हैं लेकिन धन्य है श्री सुखदेव स्वामी जो साक्षात भगवान के स्वरूप है और धन्य है परीक्षित जी जिन्होंने एक आसन लगा करके बिना कुछ खाए पिए भी भगवान की कथा निरंतर 7 दिन सुनते रहे। हरी कथा का अमृत ही पिया खाली तो इस प्रकार से श्री परीक्षित जी महाराज भी परम धाम गमन कर गए। श्री सूत जी महाराज ने पहले दिन की कथा में जोड़ दी बोले हे ऋषियों मैंने तुमको सुखदेव परीक्षित मई जो भागवत है वो पूरी सुना दी। उसके बाद में ब्रह्मांड के सृष्टि प्रलय का भी वर्णन है मार्कंडेय ऋषि का भी वर्णन है भागवत में 10 लक्षण है 12 स्कंद है उनका भी वर्णन है। अब किस किस स्कंद में कौन कौन सी कथा है प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित जी के जन्म की कथा है कुंती स्तुति भीष्म स्तुति परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन दूसरे स्कंद में सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति चतुश्लोकी भागवत का उपदेश तीसरे स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद देवहूति संवाद कपिल भगवान का अवतार हिरण्याक्ष वध चौथे स्कंद में सती चरित्र ध्रुव चरित्र ध्रुव जी का वंश पांचवें स्कंद में प्रियव्रत अग्नि नाभि ऋषभ देव आदि की कथा खगोल भूगोल का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों की कथा छठवें स्कंद में अजामिल की कथा गुरु हत्या का परिणाम 49 प्रकार के मृत गुणों की उत्पत्ति सातवें स्कंद में प्रहलाद जी महाराज की कथा और नरसिंह भगवान का अवतार हिरण्यकश्यपु का उद्धार आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान समुद्र मंथन वामन अवतार मत्स्य अवतार आदि की कथा नवें स्कंद में सूर्य वंश और भगवान राम की कथा चंद्रवंश की कथा दसवें स्कंद में प्रभु की लीलाओं का विस्तार से वर्णन गोकुल लीला वृंदावन लीला मथुरा लीला द्वारिका लीला आदि जितनी भी है उनका वर्णन ग्यारहवें स्कंद में नवयोगेश्वरों का संवाद यदुवंशियों को श्राप यदुवंशियों का श्रृंगार और भगवान का परमधाम गमन
बारहवें स्कंद में कलियुग के राजाओं का वर्णन, कलियुग के दुर्गुणों का वर्णन और कलियुग में भगवान के नाम की कितनी महिमा इसका वर्णन और सर्प यज्ञ श्री सुक्त ये करवाना जन्मेजय का और तक्षक का वहां पर आना, जरत्कारु के बेटा आस्तिक मुनि का आकर के सर्प यज्ञ रुकवाना, ये सब कथा इस प्रकार से द्वादश स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। ऐसी श्रीमद् भागवत जी की महिमा है। अंतिम श्लोक भागवत जी का मैं गाऊंगा, आप सबको मेरे पीछे पीछे गाना है। सीधे बैठ जाए, कमर सीधी करके सुखासन लगा करके। नाम संकीर्तनम् यस्य नाम संकीर्तनम् यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समन प्रणामो दुःख समन तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम् यस्य नाम संकीर्तनम् यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणाम दुख समन प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम् यस्य नाम संकीर्तनम् यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख समन प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। जिनका नाम सुमिरन करने से सब पाप क्लेश शांत हो जाते हैं, उनकी निवृत्ति हो जाती है और जो हरि भक्तों के क्लेश को हरते हैं ऐसे हरि को हम बार बार प्रणाम। श्री स्वामी जी महाराज का बड़ा सिद्ध वचन, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। बहने वालों में गंगा जी श्रेष्ठ है, तीर्थों में काशी जी सबसे श्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है, व्रत में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण सबसे। जो जीव इस भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी में गोता लगाता है वो इस संसार सागर से छूट करके भगवान के धाम को जाता है और इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसी श्रीमद् भागवत जी की दिव्य महिमा है। बोल बाल कृष्ण लाल की। तो भैया आप लोगों को ये श्रीमद् भागवत कथा हमारे आयोजक परिवार के द्वारा आयोजन करने पर और इस दास की वाणी से श्रवण को मिली और भगवान की कथा तो अनंत है, कहते कहते आदमी की जिंदगी भले ही पूरी हो जाए पर ठाकुर जी की कथा कभी पूरी पूरी नहीं होती। फिर भी मैंने जो गुरु कृपा से पाया, आपके प्रेम प्यार में पाया, ठाकुर जी के कृपा छत्र छाया में पाया, उसको मैंने वर्णन कर दिया, आप लोगों को सुनाया। और यदि कोई त्रुटि हो गई हो कोई श्लोक में संवाद में प्रसंग में किसी को कुछ कहने में तो आप अपना बालक समझकर मुझे माफ कर देवे, ब्राह्मण बालक समझ करके अपनी कृपा करुणा मुझ पर रखें। और भगवान की कृपा हुई तो पुनः किसी राम कथा किसी भागवत कथा के माध्यम से आपसे मिलन होगा। और अभी 14 तारीख से विजयनगर कथा है, आप लोग पधारिए। फिर 28 तारीख से पूगल में कथा है, पधारिए। उसके बाद में कोडम देसर बीकानेर कथा है, जहाँ आपकी इच्छा हो आप हमसे संपर्क करके आ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। और यदि घर बैठे भी सुने तो मैंने आपको पहले ही बताया था, और मैं भी कोई कहीं बाहर से या दूर से नहीं हूँ, बिल्कुल आपके नजदीक से ही आपका अपना बालक हूँ, सहज रासर बिल्कुल यहाँ से आपसे 100 किलोमीटर के आसपास ही है, पास में ही है, तो आपका अपना ही बालक हूँ, मैं दूर से भी नहीं हूँ। तो आप लोग कथा श्रवण कीजिए, यूट्यूब पर भी आप किशोर चंद्र रामायणी जो इस दास का नाम है वो लिख देवे, वहाँ भागवत कथा राम कथा भजन इत्यादि सब इस दास के द्वारा गाए हुए आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ भी कथा का पान करें। और हमारे आयोजक परिवार ने नाथ जी ने जो ये दिव्य कथा करवाई है ये कथा भी पूरी रिकॉर्ड है। और देखो ये जिस तरह आदमी के छोड़े गए शब्द ब्रह्मांड में घूमते हैं ऐसे ही आपके द्वारा करवाई गई कथा ये 7 दिन की पूरी हमेशा नेट पर उपलब्ध रहेगी। जब कोई जब मर्जी आए आपके भी कोई सदस्य देखे कि अरे हमने हमारी माता जी की जिगड़ी में जो कथा करवाई उसको देखे तो 1 मिनट में इसको निकाल सकते हैं, फोन में देख सकते हैं, एक यादगार है। और ये कथा जब आप दोबारा सुनना चाहें तो यूट्यूब पर पुनः सुन सकते हैं। इसी भावना के साथ आपके अंतर
हृदय में भगवान के दर्शन करते हुए बारंबार प्रणाम। इंसान गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, तो मुझसे भी यदि हो गई हो तो आप क्षमा करें। हाँ, और मेरे साथ बहुत सुंदर, देखो मैं तो वैसे अकेला आदमी क्या कथा कह सकता है, क्या कुछ कर सकता है, वो तो अधूरा है। तो इसमें खूब सहयोग कर रहे हैं हमारे ये साथी जो हमेशा कथाओं में मेरा निरंतर साथ देते हैं। हारमोनियम पर मुझसे छोटा है प्रकाश, ये हमेशा एक कंधे के रूप में मिला करके हमेशा इस कथा में आगे बढ़ाता है, सहयोग करता है। और हमारे अति प्रिय गायक भगवान की कथा में बड़ी सुमधुर ध्वनि के साथ अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं नरेंद्र भैया। और अंगो तो था कहो ए तो यहाँ छाला सा थोड़ा है तबलो आता है। तो नंदू जी के तबले की जब थाप पड़ती है तो मैं कथा में आता हूँ अचानक से। ये ऐसा तबला सुमधुर बजाते हैं, तो ये साथी इनका सहयोग है तभी मैं कथा कर पाता हूँ। और सबसे बढ़िया सुंदर सहयोग किया हमारे योगेश भैया ने, जो साउंड सिस्टम के माध्यम से आपके कानों तक हरी कथा पहुँचाई। आप लोग प्रेम पूर्वक बैठ कर सुने, तो ये भी हमारा छोटा भाई अनुज जिसने खूब सुंदर सहयोग किया और प्रसारण का सहयोग किया हमारे राधेश्याम जी ने। ये दोनों नया नया आया कथा हम जन था नहीं सा लागे कई दिन रही जन ठीक जी। राधे श्याम जी और योगेश जी फिर भी बहुत प्रेमी है, मायरा में भी बहुत सुंदर सहयोग करते दोनों। और ये कथा प्रसारण में भी सहयोग किया, बार बार व्यासपीठ से यजमान परिवार को खूब मंगलाशीष आशीर्वाद। और समस्त ग्रामवासियों के लिए और समस्त श्रोताओं के लिए ठाकुर जी से ये प्रार्थना कि आप राम और कृष्ण की कथा रूपी गंगा में रसपान करते ही रहे, आपकी नगरी में ये कथा की गंगा बहती रहे और आप लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख।